ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا वक़ुलवादल हसन मौज़ साम और मोहतरम नाजरन दिफा सिहबा दिफ़ा सैद नामुमाविया रज़ी अल्लाह सीरीज़ के साथ बंदा नाचीज़ हाफिज अबू या आपकी ख़िदमत में एक बार फिर हाजिर है मिर्जा साहब सैद् नामाविया रज़ील्न्हू पर एतराज़ात करते हैं कई दफ़ा हम ये अर्ज़ कर चुके हैं कि ख़ुद उनकी अपनी इलमी हालत बहुत पतली है अरबी ज़ुबान से उन्हें दूर का भी वास्ता नहीं है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कुरान करीम पढ़ने में भी अहादीस पढ़ने में भी कुरान करीम का तर्जमा करने में भी अहादीस का तर्जा करने में भी जैसा कि हम अक्सर मिसालें पेश करते रहते हैं आज भी मैं सर दस्त एक दो मिसालें पेश करके आगे बात शुरू करता हूँ मिर्जा साहब कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं नब्बी इबादी और रहीम ये सही आयत है क़ुर करीम की आयत दरअसल इस तरह है नब्बी इबादी और रहीम मिर्ज़ा साहब पढ़ते हैं नब्बी इबादी इन्नी अनल गफूर और रहीम इसीलिए अल्लाह ताला ने फ़रमाया ना सूरत में नबी इबादी इन्नी अनग़ूर नौज़ुबिल्ला और ये बिल्कुल गलत है कुरान करीम को गलत पढ़ना एक गुनाह है एक बहुत बड़ा जुर्म है अगर कोई जानबूझ के पढ़े हम ये नहीं कह रहे कि मिर्जा साहब ने नवज़िल्ला जानबूझ के पढ़ा है लेकिन उन्हें एहतियात करनी चाहिए उन्हें अपनी असलाह करनी चाहिए मिर्जा साहब बार बार कहते हैं कि मेरी गलती अगर कोई मुझे बताता है तो मैं फ़ौर कबूल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ हमने तो सैकड़ों गलतियाँ उनकी बताई हैं जैसा कि आगे हम बायदा इस पर मुख्तर गुफ्तु करेंगे कि मिर्ज़ा साहब वाकई गलती तस्लीम करते हैं कि नहीं तो इस तरह की कई गलतियाँ हम पहले कई सैकड़ों गलतियाँ बता चुके हैं लेकिन मिर्ज़ा साहब ने किसी एक गलती से भी एलानिया तौर पर रजू नहीं किया तो नब भी इबादी अनगफ़ूरहम यहाँ नब ये फ़ेल अमर है और आगे इबादी ये भी ही अव्वल है और अन्नी ये अन्ना है अपने ख़बर से मिलकर ये यहाँ सानी बन रहा है जो लोग अरबी ज़ुबान से उसके कवायद से वाकिफ़ हैं वो ये सारी बातें समझ रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब को इतना ही इलम नहीं है कि दरमियान कलाम में खूबसा या जब मफूल भी वाक़ हो रहा है तो उसने अन्ना ही पढ़ा जाना है क्योंकि ये जुमले का जुज़ बन रहा है मूमन इन्ना जो है वो पूरा जुमला बनता है अपने खबर से मिलकर और जो अन्ना है वो जज़व जु जुमला बनता है हैमूम ऐसे होता है तो कुरान करीम में एक तो अगर कुरान करीम में इन्ना होता तो यही कायदा होता कुरान करीम में अन्ना है यही कायदा क़ानून है कि इसको अन्ना ही पढ़ना यहाँ रहीम तो यहाँ इसको इन्ना नहीं पढ़ना अन्ना पढ़ना है और आगे या उसका इसम है नब्बी इबादी अन्य अनगफ़ूर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आयत भी कुरान करीम की उसका ज़बर जेब इराब उसकी तश्ील आप खुद गौर कर लें और मिर्जा साहब लोगों को तजवीज़ पढ़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतनी अरबी आती है कि मैं कुर करीम का ख़ुद तर्जमा कर सकता हूँ और इससे बढ़ कर वो कहते हैं कि मैंमा की गलतियाँ निकाल सकता हूँ अरबी ज़ुबान की अगर आप का लेक्चर मुझे दें किसीम का दुनिया का मुझे आप उसका लेक्चर दे दें तो मैं उसकी सरफो नहाब की गलतियाँ ज़रूर पकड़ के आपको बताऊँगा फिर कुरने पाक मैं अलहमदुल्लह आप कुरान पाक कहीं से भी खोलें मैं आपको तर्जमा करके बता दूंगा मैं उसकी बारिकियाँ ना बता सकूँ लेकिन तर्जमा बिल्कुल मीनवान करके आपको बता दूंगा जिंदा और मुर्दा किसीम दीन की तकरीर मुझे दें मैं उसके अंदर सरफ नाहब की गलतियाँ निकालूंगा मैं निकाल के बताऊँगा ना निकाल सकूँ ना मुझे आगे पकड़ लें तो यहाँ मिर्ज़ा साहब आप अपनी गलती नहीं पकड़ सके नब्बी इबादी अनगफ़फ़ूर रहें एक बात दूसरा हदीस पढ़ते हुए भी आपने इसी तरह की गलती की जो नहब से ताल्लुक़ रखती थी ये भी नहब से ताल्लुक़ रखती ये ग़लती भी और अगली ग़लती जो हम बताने लगे हैं वो भी नहब से ताल्लुक़ रखती है आपने सही बुखारी की एक रिवायत पेश करते हुए कहा कि एक शख्स ने सैदा आयशा रज़ी अल्ला से कहा जजाकि खैरा बुखारी में मौजूद है कि सैयद आयशा को एक सहाबी ने आगे कहा था जजाकि खैरा जजाकल्ला ही पढ़ा आपने बेकसर हा हा को कसरा देकर, लफ्ज़ अल्लाह की हा को कसरा देकर आपने पढ़ा हालाँकि ये बिल्कुल गलत इराब है किसी भी सूरत इसको जजाकिला नहीं पढ़ा जा सकता ये बहुत बड़ा ब्लंडर है अरबी ज़ुबान जो लोग जानते हैं उसके कवायद जानते हैं उनके नज़दीक उसूलन ये बहुत बड़ा बलंडर है बहुत बड़ी गलती है और ऐसा शख्स अगर ये दावा करे कि मुझे अरबी ज़ुबान का इलम है या मैं उलमा की गलतियाँ निकाल सकता हूँ तो ये बहुत ही मजह का खेज बात है इस पर जितना भी कोई हँस ले वो थोड़ा है कि मिर्ज़ा साहब आप बिल्कुल बुनियादी बातें जो हमारी पहली क्लास के तलाबा को मालूम होती हैं मदरसा में वो आठ साल पढ़ते हैं सात छः आठ साल तो आठ साल का तालब इलम जो पहली क्लास में अभी पहले साल में पढ़ रहा है उसे पता चल जाता है कि जजाक ही नहीं पढ़ना इसको जजाक पढ़ना है क्योंकि जजा ये फेल है कि ये ज़मीर मफूल भी ही है और लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल बन रहा है और फ़ाइल मरफू होता है अरबी ज़ुबान में मिर्ज़ा साहब आपने उसको मजरूर बना दिया है मजरूरात तो दुनिया में दो होते हैं मिर्जा साहब जो लोग नहब जानते हैं जो अरबी कवायद जानते हैं जो अरबी पढ़ते समझते हैं उन्हें यह बात मालूम है कि मजरूरात दुनिया में दो हैं या मजरूर में हरफ जार होता है जिसके शुरू में हरफ जार आ जाए या मुदाफ इले होता है जिसके पहले मुदाफ़ होता है तो जजा की जजा तो फ़ेल है कि उसी फ़ेल का मफूल भी ही मुकदम है और लफज़ अल्लाह उसका फ़ाइल है लफ़ अल्लाह फ़ाइल मरफू होता है मरफूआत में से है तो ये तो मजरूर किसी सूरत नहीं हो सकता तो मिर्ज़ा साहब ये बहुत बड़ा बलंडर आपकी तरफ़ से तो फिर भी आपका अगर ये दावा हो कि मैं अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हूँ बल्कि मैं अरबी ज़ुबान बोलने वालों की गलतियाँ निकाल दूँ या के लेक्चर से मैं सरफोनाव की गलतियाँ निकाल दूँ तो आप ख़ुद ही गौर करें आपको चाहिए कि इस हवाले से आप ऐलान बरात करें कि मैंने जो कहा था मैं उससे रुजू करता हूँ मेरी बात गलत थी मुझे अरबी ज़ुबान का इलम नहीं है और सैद्माविया रज़ी की दुश्मनी में तो आप अपने बयान करदा सारे कवायद भी रद्द कर देते हैं ख़ुद आप एक कायदा बयान करते हैं जो कि अरबी ज़ुबान से ही ताल्लुक़ रखता होता है लेकिन जब आपके खिलाफ कोई बात होती है या आपको पसंद नहीं होती तो उसी कायदे को आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं हम आपको आज आपका ही आ, क्लिप दिखाते हैं पहले कि आपने एक मौके पर क्या कायदा क़ानून बयान किया और दूसरे मौके पर आपने जब माविया सैद्लाविया रज़ील्न्हों के हवाले से हदीस आई नबी करीम सल्लाम की तो उसका माना बिगाड़ने के लिए माविया रजी अल्लाह से दुश्मनी कमाने के लिए आपने बिल्कुल उसका उलट माना कर दिया ये देखिए आपका एक क्लिप है सजदों में रफुल्दैन के हवाले से इस पर इन हम यहाँ मुख्तसर ही गुफ्तु करेंगे तफसीलन गुफ्तू सजदों में रफुल्दैन के हवाले से फिर किसी मौके पर इनशा हम साम और नाजरन के गोश गुजार करेंगे तो अभी बताना सिर्फ़ ये मकसूद है कि उस क्लिप में मिर्ज़ा साहब हदीस का तर्जा करते हुए जहाँ इमाम बुखारी राहुल्ला का कौल आया ना कॉलुख़ारीहा हदीसबी सल्ला वसलम अल्ला सैदाना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह से सजदों में रफुल्दैन की रिवायत आई उस रिवायत को पेश करके इमाम बुखारी रही ने फ़रमाया कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की हदीस ज़्यादा इस बात की मुस्तक है कि उस पर अमल किया जाए क्योंकि बुखारी सही बुखारी की हदीस मौजूद है जो इमाम बुखारी रही ने नकल की हुई है अपनी सही बुखारी में भी कि नबी करीम सल्ला वलारफ़ाबी सजद तयी आप दोनों सजदों के दरमियान में रफ़ल्दैन नहीं करते और बाद रिवायतों में है वला यरफ उ सजूद सजदों में जाते हुए या दरमियान में आप रफोलिद्दैन नहीं करते थे तो इमाम बुखारी राह इशारा फ़रमा रहे हैं कि नबी करीम सल्ह् वदीस ज़्यादा मुस्तक इस बात की कि उस परमल किया जाए अब यहाँ अवला का लफज आया अः ज़्यादा लायक ज़्यादा मुस्तक इसका माना होता है ज़्यादा करीब भी वाली यली से है ये वलीज आप लफ्ज़ सुनते हैं अल्लाह के वली हैं यानी अल्लाह के मकर्रब हैं अल्लाह के करीब हैं तो ये ज़्यादा करीब ज़्यादा लायक ज़्यादा मुस्तहिक के मानों में है तो यहाँ आपने तर्जमा किया कि अला का मतलब ये है कि दूसरा भी जायज़ है दूसरा गलत नहीं आप चूँकि सजदों में रफल्दैन को सबित करना चाहते थे तो यहां ही मामे बुखारी रही के कौल अवला का माना आपने अवला लफज है मिर्जा साहब उसका तर्जमा आपने खुद किया है कि इसका मतलब है दूसरा भी जायज है दूसरा गलत नहीं फिर मैं आपको बताता हूं मिर्जा साहब आपने क्या कहा था अगरचे इमाम बुखारी ने इसके साथ लिखा है कि इससे ज्यादा बेहतर अमल वो है जो नबी नबीस्म से मरफून साबित है उन्होंने उस अमल को गलत नहीं कहा इमाम बुखारी ने उसको जायज समझाया अवला का माना है कि दूसरा भी जायज़ है दूसरा गलत नहीं अच्छा मिर्ज़ा साहब जब सही मुस्लिम की हदीस आई मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में जो कि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ जो सियासी तौर पर लोग खड़े हुए थे उनको हक करार देना है और उन्हें भी हक बजानब कहने के हवाले से नबी करीम सलीम की हदीस थी उसमें यही अल्फाज है कि अउलताफ़तिन बिलहक सही मुस्लिम वगैरह में अल तफ़िन बिलह और बाज़ रिवायात में अदन तवाफ़िन बिलहक और इन दोनों का मतलब और तीसरी रिवायत में अकरब अरब अलह अकरबाफतैन अलह के लफज आए हैं तो इन सब का माना ज़्यादा करीब ज़्यादा अवला ज़्यादा मुस्तक तो यहाँ माना क्या था अवला यही लफज मिर्ज़ा साहब आया अवलता बिल्हा दोनों ग्रोहों में से हक़ के ज़्यादा करीब सईदना अली रज़ी अल्लाह का ग्रोह होगा जब जैसा कि बाद में साबित हुआ उस वक़्त तो नबी करीम अलैहि वसल्लम की ये बशारत मुबहम थी जब वाक़ पेश आया तो उसके बाद ये लिखर कर सामने आई कि आप सल्ला वसम के फरमान का असल मजदाक कौन था तो अवलता बिल्हा अला का तर्जमा आपने जब इमाम बुखारी राहल्ला की बात आई तो वहाँ आपने तर्जमा किया कि दूसरा भी गलत नहीं दूसरा भी जायज़ है तो यहाँ ने बिलहक के सयदना अली रज़ी का गरो हक़ के ज्यादा करीब तो तर्जमा यही बनना चाहिए था मिर्जा साहब आप के बकौल और आपके अपने बनाए हुए कायदे रसूल के मुताबिक जो कि बिल्कुल दुरुस्त था उसके मुताबिक कायदा कानून यही होना था और तर्जमा यही होना था कि सईदा अली रज़ी अल्लाह का गुरो हक़ के ज़्यादा करीब लेकिन दूसरा भी जायज़ है दूसरा भी सही है दूसरा भी गलत नहीं मिर्ज़ा साहब यही तर्जा होना था ना अवला तो फ़तः नहीं बिलक अगर हदीसनबी सल्ला वसम अवला इमाम बुखारी के अल्फाज का तर्जु यह था कि दूसरा भी जायज़ है सईदा अनस के फ़ेल पर अमर करना भी जायज़ है और नबी करीम करीमल वसम की हदीस पर अमल करना ज़्यादा अवला है ज़्यादा मुनासिब है तो यहाँ भी तर्जमा यही करना चाहिए था कि सैद्न्ली रजी का ग्रोह हक के ज़्यादा करीब है लेकिन दूसरे भी ग़लत नहीं हैं सैदना माविया रज़ी भी गलत नहीं हैं सैद ऐशा रज़ी भी गलत नहीं हैं तलहैर रजील्नुमुमा भी गलत नहीं हैं अबू मसाशरी रज़ील्हु भी गलत नहीं हैं अमर बिन आश रजी अल्लाह भी गलत नहीं है और दीगर जो सहम़रा बिन शोबा रजी अल्लान दीगर जो अब हैं जो सईदना अली रज़ी के सियासी तौर पर मुखालिफ थे वो भी गलत नहीं हैं ऐसे ही तर्जमा बनना था ना मिर्जा साहब लेकिन आपने वहाँ डंडी मार दी वहाँ आपने अवला और अदना ये अल्फा तो छोड़ ही दिए ना अवला को ज़िक्र ही नहीं किया अरबी लफ सिर्फ अकरब जिक्र किया कहते हैं कि अकररब से मुराद हाक के ज़्यादा करीब की बजाय हक वाला ग्रोह है कहते हैं कि यहाँ अकरब का माना हक ज़्यादा करीब तर्जम नहीं करना बल्कि यहाँ करना है हक वाला ग्रोह क्यों मिर्जा साहब क्यों आपको नहीं चाहिए यहाँ इसलिए यह कोई कायदा कानून है आप बताएं तो सही भई के देखो एक तरफ मैं तर्जमा करता हूँ कि दूसरा भी गलत नहीं है अवला का तर्जमा और यहाँ अवला अदना और अकरब का तर्जमा मैं करता हूँ कि नहीं यहाँ ज़्यादा करीब का तर्जमा दुरुस्त नहीं है बल्कि इसका तर्जमा हक वाला ग्रोह ही करना है ज्यादा वाला तर्जमा यहाँ नहीं करना क्यों मिर्जा साहब आखिर किस बिना पर आपने ये कहा कि यहाँ दूसरा तर्जमा नहीं करना यहाँ यही तर्जमा जो आपको पसंद आ रहा है वही करना है हालांकि मिर्जा साहब असल तर्जमा इसका यही बनता है असल तर्जमा अवला का यही बनता है कि हक के ज़्यादा करीब और दूसरा भी गलत नहीं ये अवला का असल तर्जमा है आपको नहीं पता मिर्जा साहब अरबी कवायद आपको तो मरफूहत का नहीं पता मनसूबात और मजरूरत का नहीं पता फ़ाइल मफूल भी का नहीं पता मिर्जा साहब तो आप यहाँ इतनी लंबी बात से आगे जाकर इसमें तफजील का कैसे आपको पता होना था अवला इसमें तफजील है अदना इसमें तफजील है अकरब इसमें तफजील है मिर्जा साहब और इसमें तफजील में असली माना यही होता है कि दूसरे की नस्बत ज्यादा दूसरे में भी चीज़ का इस बात होता है जैसे अश ज्यादा बहादुर इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा बुजदिल है दूसरा भी बहादुर हो लेकिन उसकी नस्बत ज्यादा बहादुर असुद ज़्यादा सच्चा इसका यह मतलब नहीं होता कि दूसरा झूठा है दूसरा सच्चा नहीं है बल्कि दूसरा भी सच्चा है उससे ज़्यादा सच्चा इसी तरह अकर्रब इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा दूर है हक से दूसरा भी करीब है लेकिन यह उसकी निस्बत ज़्यादा करीब है और इसी तरह आदना है इसी तरह आलम है आलम ज़्यादा इलम रखने वाला एक तो आलम मतकलम का सीगा मिर्जा साहब आपको तो ये बाशें सर से गुजर रही होंगी जो लोग अरबी ज़ुबान से शगफ रखते हैं उनको मालूम हो जाएगा आलम एक इसमें तफजील भी इसमें तफजील का सीगा भी आता है जिसका मतलब है ज़्यादा इलम वाला अब इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी को आलम करार दिया जाए तो इसका मतलब है बाकी सारे जाहल हैं बाकियों के इलम का भी एतराफ़ किया जा रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी नस्बत इसका इलम ज़्यादा है ये होता है इसमें तफजील मिर्जा साहब यहाँ हम अरबी की एक इब्तदाई जो किताब है उसका हम स्कैन भी लगा देते हैं कि उसमें इसमें तफजील की तारीफ़ क्या की गई है ताकि आपको मालूम हो जाए कि इसमें तफजील असल में इसी माना के लिए आता है कि किसी के मुकाबले में ज़्यादा जबकि दूसरे में भी वो सिफत मौजूद होती है तो अवुलआफ़त न बिल़ यह हाँ अकरबतन बिल़ या अदन बिल हाँ तवाफ़तनी हाँ इसका असल मतलब यही बनता है मिर्जा साहब कि दो ग्रोह हैं दोनों हक पे हैं लेकिन एक दूसरे की नस्बत ज़्यादा करीब है और बिल्कुल यही हदीस में सैद्माविया रज़ी के बारे में अल्फाज थे लेकिन आपको चूँकि पसंद नहीं थे तो आपने वहाँ उसका तर्जमा ही बिगाड़ने की कोशिश की और आपने जो दलील देने की कोशिश की मिर्ज़ा साहब कि जनाब कहते हैं कि होम लिलकुफरी अकरब लिल ईमान कहते हैं कि सूरह की इमरान की 167 नंबर जो आयत है अकरब का लफ्ज़ मुनाफिकीन के वाज कुफ़र के लिए इस्तेमाल फरमाया है ला यहाँ हदीस में भी अकरब का लफ्ज़ है और सईद ना माविया रजी अल्लाह के लिए हक वाली बात यहाँ दुरुस्त नहीं हो सकती हालाँकि मिर्ज़ साहब दो और लफज भी थे ना अवला और आदना वो कहाँ आप खा गए अवला जिसका तर्जा आप खुद कर चुके थे कि ज़्यादा बेहतर है दूसरा भी गलत नहीं है वो अवला यहाँ से इतना माविया रजी अल्लाह के लिए भी था लेकिन आप हजम कर गए ना अवला अदना के लफज आपने छुपा लिए लोगों के सामने से उर्दू तर्जमा करके अरबी में सिर्फ़ अकरब का तर्जमा किया और कुरान ग्रीन की एक आयत से दलील बनाने की कोशिश की त्रोड़ मरोड़ कर हालाँकि वहाँ अकरब का तर्जमा आप के आप जिसकी तारीफ में रतबलिसान रहते हैं जनाब आपके मुफसरे कुरान मौलाना मुदूदी साहब उन्होंने कुरान में इसका तर्जमा क्या किया है ज़रा स्क्रीन शॉट देखे ना मिर्जा साहब नज़र आया आपको कि खुद आपके ममदू जो हैं जो आप कहते हैं कि इतनी बड़ी खिदमत तो इस्लाम की शहबा के दौर से लेकर आज तक किसी ने की जितनी तब मोदूी साहब ने कर दी है ये मोदी साहब कुरने करीम की इसी आयत का जिसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा का तर्जा करना दुरुस्त नहीं है वो आपके जो ममदू हैं मोदूदी साहब वो यहाँ तर्जमा ज़्यादा का ही कर रहे हैं लिहाजा आपको अब अक़ल के नाखून लेने चाहिए आपको अब कुछ होश करनी चाहिए और अल्लाह से भी तोबा करें और लोगों से भी आप वाज तौर पर माजरत करें कि मैंने ये बिल्कुल सही तरह माविया रज़ी अल्ला की अदावत में गलत तर्जमा कर दिया था और डंडी मारी थी और मैं तोबा करता हूँ अल्लाह तबारक वाली आपको तोफ़ी नसीब फरमाए यहाँ हम आपको एक मज़े की बात बताते चलें कि मिर्ज़ा साहब ने पहले अपने पंफलट में यही माना क़रीब तर किया था हक हाँ के क़रीब तर यह तर्जुमा किया था लेकिन बाद में जब सदनामाविया रज़ी अल्लाह से उनकी दुश्मनी बढ़ी तो उन्होंने तर्जमा चेंज कर दिया पहले तो उन्होंने तर्जमा आलम से लिया था ना जिसने तर्जमा किया हुआ था क्योंकि ख़ुद तो मिर्ज़ा साहब कर नहीं सकते तो आलिम से लिया हुआ तर्जमा उन्होंने रिजेक्ट करके खुद अपना तर्जमा ऐड किया जो कि बिल्कुल जहालत पर मबनी है और मिर्जा साहब तर्जमा तो कर ही नहीं सकते अब यहाँ हम बताते हैं कि अगरचे असल तर्जमा इसका यही है इसमें तफजील वाला कि दूसरे की नस्बत ज्यादा दूसरा भी गलत नहीं दूसरे में भी यह सिफत पाई जाती है जैसा कि मैंने बताया है कभी कभी जब करीना पाया जा रहा हो कोई दलील मौजूद हो शरीयत की या साहिब कलाम की जो अपनी कलाम में ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है तो बसाओकात तो उसका तर्जमा ज्यादा वाला नहीं भी किया जाता ये भी मिर्जा साहब इलम वाली बात है आप समझ लें शायद आइंदा आपको फ़ायदा दे बाकी सामीन को भी फ़ायदा देगी नबी करीम सल्ला सल वम के अल्फाज होंने करीम के अलफ़ाजों अरबी ज़ुबान में हैं और अरबी ज़ुबान के कवायद वहाँ लागू होते हैं कि शरीय की कोई दलील आ जाए या अरबी ज़ुबान में लिखने वाला जो है वह खुद किसी जगह अपनी बात की वज़ाहत कर दे और उसकी दीगर क्राइन से उसकी वज़ाहत हो जाए कि यहाँ इसमें तफजील वाला तर्जुमा नहीं है अरबी ज़ुबान में भी कहा जाता है कि फ़ला जिदारन कि फ़लाँ दीवार से ज़्यादा अकल मानदा अब दीवार में तो अक़ल होती ही नहीं है तो यहाँ आकल का माना इसमें तफ़ील वाला नहीं होगा लेकिन इसके लिए किसी करीने की ज़रूरत है बिल्कुल मिर्ज़ा साहब ऐसे ही जैसा कि कुरने करीम में मरदार को हराम करार दिया गया है रमतः को मिल्मी था जबकि नबी करीम अलैहि वसम की हदीस में मछली को और जराद को इन दोनों चीज़ों को मुर्दार हालत में भी इस्तेमाल करने की इजाज़त आई है कि ये मुर्दार भी हों तो हलाल हैं लेकिन क्या इस इसना की वजह से कायदा बदल जाएगा क्या कोई कह सकता है कि चूंकि मुर्दार हालत में मछली और जराद ये इस खाना जायज़ है लिहाजा कुरान का यह कायदा बदल गया कि मुरदार हराम है अब मुर्दार हराम नहीं होगा नहीं कायदा अपनी जगह बरकरार है मिर्जा साहब लेकिन दूसरी जगह इससे सना की दलील हमारे पास आई है तो इमाम बुखारी रहम्ला ने जो लफ्ज अवला कहा था आपने बिल्कुल उलर कर दिया इमाम बुखारी रहमाला की अवला से मुराद इसमें तफजील नहीं था क्योंकि दलील मौजूद थी मैं पेश करने लगा हूं वहां आपने अवला से अपना मतलब निकालने के लिए यह कह दिया कि दूसरा गलत नहीं पहला भी सही है दूसरा भी सही है वहाँ आपने ये माना कर दिया लेकिन जहाँ हदीस रसूल में सैद्न्माविया रजील्हू की बात थी जिस पर उम्मत का इजमा है सुन्नत वाल जमात के तमाम आइमा सहाबा से लेकर मुतफ़ हैं आज तक कि सैदाविया रज़ील्ह भी हक पर थे इश्तहादी मसला था तो उन्हें भी बातिल पर करार नहीं दिया जा सकता वहाँ आपने उल्टा तर्जमा कर दिया जो कि हकीकी तर्जमा था और उसको आपने गलत किया अब इमाम बुखारी रहमाला जो लफ्ज़ अवला इस्तेमाल करते हैं वो इसमें तफजील के लिए उमूा इस्तेमाल नहीं करते उसकी दलील क्या है मैं आपको बताता हूँ यही इमाम बुखारी रहमा की किताब है जो रफुल यदैन के हवाले से जुज़ रफुल्दैन उसमें इमाम बुखारी यही जिसमें आपने अवला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और उसका माना आपने किया दूसरा भी गलत नहीं दूसरा भी सही है यही किताब है मिर्ज़ा साहब और वो पेज नंबर उसका था 72 और यहाँ है 71 यानी एक पेज आप अगर पीछे चले जाते हैं तो अवला का लफज इमाम बुखारी रहमा जिस स्याख में इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम हो जाता कि यहाँ अवला का मतलब वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं दलील कायम हो गई इमाम बुखारी रहमा रहम्ला खुद बता रहे हैं कि मेरा अवला बोलने का मतलब ये नहीं होता इसमें तफजील बल्कि मतलब ये होता है कि यही बात दुरुस्त है क्यों इमाम बुखारी रही फ़रमाते हैं वक़ाल जरीर उन इन मुजाहिद अनसिनाहिदिन अन् काना यरफ़ादही वहाजा अफ अहलम कहते हैं कि इमाम मुजाहिद रही, मुझाहिद रही मुझाहिद से लैस ने बयान किया उनसे जरीर ने बयान किया कि वो रफ़ रफ़ुल्दैन करते थे ये महफूज है अहिल एह के नज़दीक यही बात दुरुस्त है वक़ाल सदा का तो इन लजी रवा हदीस उमर लम यरफ़ा मुजाहिदिनबन अन्मयरफ़ादही फ़ीवाल तकबीर हती

उमर रजीम सिर्फ पहली दफा करते थे जबकि ने जो बयान कि किया है खुद इमाम साहब पीछे फरमा रहे हैं कि महफूज बात क्या है जिस बात की हिफाजत हुई है और जो महफूज हालत में हम तक पहुंची है इबन उमर रज़ी नुमा पूरी नमाज़ में रफोदैन किया करते थे सिर्फ शुरू में नहीं ये महफूज है और यहाँ इमाम साहब उसी को दूसरे लफ्ज़ों में बयान करते हैं कि ये जिसने बयान किया कि रफोदैन नहीं करते थे वो तो उसका हाफज़ा बिगड़ गया था उसका हाफज़ा ख़राब हो गया था जबकि रबी और लैस ने यह बयान किया है कि इबन उमर रज़ी रजील्मा रफोदैन करते थे तो इनकी बात दुरुस्त है तो यहाँ अगर अवला का माना मिर्जा साहब आप ये करें जो आपने वहाँ करने की कोशिश की सजदों में रफल के बारे में तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि रफल करना भी सही और ना करना भी सही दोनों ही सही हैं दूसरा भी गलत नहीं जबकि इमाम बुखारी रहमल तो पूरी किताब ही इस मौजू पर लिख रहे हैं कि रफल करना है अल्लाह के बंदो तो अवला का लफ्ज़ यहाँ इमाम बुखारी रम्ला के कौल में करीना मौजूद है कि इमाम बुखारी जिस बात को दुरुस्त समझते हैं और दूसरे को गलत समझते हैं दूसरे को ग़ैर महफूज़ समझते हैं तो वहाँ लफ्ज अल्ला इस्तेमाल करते हैं तो ये करीना था मिर्जा साहब इमाम बुखारी रही के कौल का कि यहाँ मुराद ये नहीं कि दूसरा जायज़ है बल्कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हदीस पर ही अमल करना है सईदन आनस रजी अल्लाह को मग़ालता लगा कि शायद सईदों में भी रफ़ दैन है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला बिन उमर रजी व्ल्अब्बिनुमर रजील्मा ने बयान किया हुआ सही बुखारी में कि बैन वलाफाबिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि करीमल वसैम सैद्व रफैन नहीं करते थे ये मिर्ज़ा साहब आपकी हालत है कि जहाँ अवला का तर्जमा दूसरा गलत नहीं दूसरा जायज़ नहीं करना था वहाँ आपने दूसरा जायज़ किया और दूसरा भी गलत नहीं ये कहा लेकिन जहाँ सैद्न्माविया रज़ी की बात आई अपना ही बयान करदा कायदा जो कि आपने गलत तौर पर खड़ा किया था वो आपने तोड़ा और सईदा माविया रज़ी से दुश्मनी कमाते हुए उसका बिल्कुल गलत तर्जमा कर दिया जबकि सही तर्जमा बिल्कुल यही बनता था कि अवलताफ़ी न बिलक सईदनाली रज़ील् का ग्रोह इन दोनों ग्रोहों में से हक के ज़्यादा करीब था लेकिन दूसरा भी बातिल नहीं था दूसरा भी गलत नहीं था ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई थी जिसका आप मिर्जा साहब मज़ाक उड़ाते रहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जब आप मिलेंगे तो आप क्या मुंह दिखाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को आप कैसे बिगाड़ते रहे हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व ताली आपको हिदायत नसीब फरमाए फिर आपने अहले सुन्नत पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह से बोग का झूठा इल्ज़ाम लगाया कहते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं जैदना अली रज़ी अल्लाह से बूझ रखते हैं उनकी अपनी जो बात है मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर करता हूँ वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आप हज़रत मुआविया का झूठा दिफा करें अब ये झूठा दिफा जिसको ये झूठा समझते हैं हालांकि हम ये साबित कर चुके हैं कि ये झूठे इतराज़ात करते हैं सईदना मुआविया रज़ी अल्लाह पर कोई सही इतराज़ आज तक इन्होंने किया ही नहीं सब झूठे इतराज़ या तो ज़यीफ़ मन झूठी रिवायात हैं जो सय्सनाद कहकर पंफ्लट में अपने फाइव बी में इन्होंने शामिल की हुई हैं या फिर हरीज का तर्जमा गलत किया हुआ है या डंडी बार के वहाँ कुछ और माना था मफहम कुछ और था उसमें कुछ और ऐड कर दिया आपने अपनी तरफ से जैसा कि हम पहले बयान भी कर चुके हैं हमारे पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं सईद नमाविया रजील पर लानत करने उन पर गालियाँ देने उन पर तोहन करने के जो इल्ज़ाम आपने आयद किए हैं अहल बैद के हवाले से उन सारों का जवाब हम अहमद एक अब हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है उसमें हम दे चुके हैं अल्लाह के फजलोकम से और अल्लाह की तोफ़ी से बहुत से लोग हज़ारों लोग हिदायत भी पा चुके हैं उन लेक्चर्स को सुनकर तो अहल सुन्नत पर आपने कहा कि बोगज़े अली का इल्ज़ाम लगाया आपने कि ये सईदना रजी से बूज रखते हैं क्या कहा आपने कि हज़रत मुआविया का झूठा दिफा करें और आपके दिल में बोगज़े अली ना हो ये हो ही नहीं सकता कहते हैं जो भी सही माविया उनका झूठा दिफा इनके बकौल जो झूठा है वो कर रहे हैं उनके दिल में लाजमी बुग्जे अली है और मुस्लिम की हदीस है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन और आग और पानी जमा नहीं हो सकते ये हो नहीं सकता कि आप मुआविया माविया रजील का झूठा दिफा करें और रजरत अली का बुग्स ना आपके दिल में आए और मुस्लिम की हदीस है सही मुस्लिम टू फोर जीरो इंटरनेशनल के मुताबिक अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन अली से बुक्स नहीं रखेगा मगर मुनाफिक ये आग पानी जमा हो ही नहीं सकते कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि आप मुआविया रजी अल्लाह नन का दिफा करें और अली रजी अल्लाह से भुग् आपके दिल में न हो नवजिल्ला अस्तफिरल्ल हम यहाँ अल्लाह तबारक व ताली को गवाह बना कर ये बात कहते हैं अल्लाह तबारक व तै लानत करे ऐसे लोगों को बर्बाद कर दे जिनके दिल में सईद नाली रजील्न का ज़रा बराबर भी भुग्ज हो हम अली सईदानी रज़ील्न से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं हाँ आप सही जन मुआविया रजील्लाह से ज़रूर बूझ रखते हैं आप भी ये कह दें कभी ऑन दी रिकॉर्ड लोगों के सामने कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ मेरे दिल में सही तरह माविया रज़ील्ल्लाह के लिए ज़रा बराबर भी मैल नहीं पता चल जाएगा मिर्ज़ा साहब आप जो झूठे दावे करते रहते हैं कि मैं सही तरह मुआविया रजिया का एहतराम करता हूँ और साथ साथ उनको बिरती भी कहते रहते हैं और साथ साथ उनको लानत का मुस्तक भी बनाते रहते हैं और नवज़िल्ला पता नहीं क्या क्या करते हैं असल में ये तो चोर आपके दिल में है अल्लाह के फ़लोक करम से अहले सुन्नत के दिल सईदा अली रजी अल्लाह के बारे में बिल्कुल साफ़ हैं हम उस शख्स को अहल सुन्नत तो क्या मुसलमान भी नहीं समझते जिसके दिल में अली रजी अल्लाह के बारे में बोग हो मैं फिर दोबारा ये सब लोगों के सामने अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ अल्लाह तबारक व तैयार उस शख्स को तबाह व बर्बाद कर दे जिसके दिल में अली रजी अल्लाह के बारे में ज़रा बराबर मैल भी हो हम तो अल्लाह के फजल करम से मोहब्बत करते हैं लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि सैदना अली रज़ील् से मोब्बत करें तो हम नबी करीम वसल्लम के दूसरे सिबा कर राम जो जलील हैं उनसे नफरत करना शुरू करते हैं उनके लिए दिल में बुग्ज़ और मैल रख लें तो हालांकि पहले आप खुद कहा करते थे कि जो बरेलवी हजरात हैं वो सैदना रजी अल्लाह की शान में गुल्भ तो कर सकते हैं लेकिन कमी नहीं आ सकती उनके दिल में आपका कौल यह था कि बरेलवियों में बुगज अली का सवाल ही पैदा नहीं होता बरेलवियों में बुगज अली का सवाल ही पैदा नहीं होता शायद गुलूब किसी दर्जे में मौजूद हो बुग्ज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो मेरा चूंकि तो नहीं पैदा होता शायद किसी दर्जे में गलूब सारे में मौजूद हो बुग्ज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यह कहा ना मिर्जा साहब आपने लेकिन जब दावत इस्लामी वालों ने मौलाना इलियासादरी साहब ने जब सईदाविया रजी की मोहब्बत का अलम बुलंद किया बरेलवियों में जो राफ़ियत फैल रही थी उसको निकालना चाहा कि अल्लाह के बंदो आमर रजा खान बरेलवी साहब का भी ये मौकफ़ नहीं है वो भी सैदना माविया रजील् का अहतराम करते हैं हालाँकि सैदना रजील के बारे में गुल्भ किसी दर्जे में उनमें मौजूद था यकीन था उसके दलाल शवायद भी हैं हम कभी अलग से उस पर बात भी करेंगे तो लेकिन सैदनामाविया रजी अल्लाह के बारे में उनका अकीदा बिल्कुल खड़ा है वो कहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ वो अल्लाह तबारक व ताल महबूब तरीन बंदों में शामिल हैं और नबी करीम अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी भी है और उनके लिए नबी करीम वसल्लम की बशारतें भी हैं आपके फ़ज़ाइल के भी वो मोतरफ हैं तो जब मौलाना इल्यास क़ादरी साहब ने ये झंडा और बुलंद किया कि बरेलवियों अल्लाह से डर जाओ हमारा ये मौक़ और मज़हब नहीं है और अलसन्नत का ये महब नहीं है कि सहीदना माविया रज़ी के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजियाँ की जाएँ उनके तो फ़जाइल सबित हैं

साबित करें इस मुरे का मैं आप सही से करने लगा ये मुहावरा पता क्या होना चाहिए कि जितने लोग खड़े हुए हैं ना ये हुबे माविया नहीं है बल्कि बुग्जे अली है पाइये मुहावरा उल्टा होना चाहिए सीधा करना मैं ये उल्टा है सीधा मुहावरा यह है कि जो कुछ तुम कर रहे हो ना आपने कहा था बरेलियों में बुगज अली का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता गुरु तो हो सकता है उनकी शान में ज्यादती हो सकती कमी नहीं हो सकती लेकिन सयद्माविया रजी अल्लाह की जो दुश्मनी है मिर्जा साहब आपको बार बार बातें बदलने पर मजबूर करती है पिछले क्लिप में हमने बताया कि आपने तर्जमा और जो कायदा कानून बयान किया था ख़ुद उसके उलट आपने कर दिया सिर्फ सैद्माविया रजी अल्लाह की अदावत में और दुश्मनी में और यहाँ आपने खुद ये कायदा बयान किया कानून लोगों के सामने पेश किया कि बरेलवियों में बुगज अली का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता लेकिन हमारे बरेलवी भाई जो दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने जुर्म क्या किया जुर्म सिर्फ ये कि सैद्माविया रजील् की फजीलत के कायल थे वो उन्होंने सही इतना माविया रज़ी के फ़ायल बयान किए तो आपने कहा कि ये जितने लोग खड़े हैं ये हब्ब माविया नहीं ये बुग अली है आपने कहा ये जितने लोग खड़े हैं माविया रज़ी आलम लेकर ये हुब माविया नहीं अली है कहते हैं ये अली रज़ी अल्लाह से बुगज है तो देखें ये मिर्जा साहब आप कहाँ तक जाएँगे अब कहाँ तक आप आगे कहाँ तक चले जाएंगे अल्लाह तबारक व तारा आपको हिदायत नसीब करे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सैदा माविया रज़ील्ह का आ, हमेशा उनका अहतराम पामाल करने की कोशिश करते हैं जो भी उनका एहतराम करता है उसको आप नासबी समझते हैं उसको आप अली रजी अल्लाह से भूज रखने वाला समझते हैं यही मसला एक दफ़ा सैदास्स्मान और सईद ना रज़ील् के हवाले से लोगों में फैल गया था कुछ लोग समझते थे कि जो लोग सईदना स्स्मान रज़ी नव से मोहब्बत रखते हैं वो सैद्ली ऱीन से महब्त नहीं रख सकते और जो सईदना अली रज़ी से महबत रखते हैं सईदमान रजी से अकीदत नहीं रख सकते उस वक़्त सईदना अनस बिन मालिक रजी ने फ़रमाया था सईदना अनस बिन मालिक से अब ये रसूल ख़ाद रसूल फरमाते हैं यज आमू नासन अन्ना हब्बालीस्मान अल्लान बिन वाहिद लोग ये समझते हैं कि सईदा उस्मान और सईदानली की महब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती फ़काल भू उन्होंने फरमाया झूठ बोलते हैं ये बदबक़्त झूठ बोलते हैं वल्ल ही लक़त जमा अल्लाह हब्बा माफ़ी गुलमा अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ अल्लाह ने दोनों की महब्बत हमारे दिल में जमा कर दी है ये झूठे कहते हैं कि अली और ऊसमान की महब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती किसी एक से ही महब्बत होगी दूसरे से नहीं होगी रफस भी जो यही कहते हैं ना कि अली से मोहब्बत करोगे तो बाकियों को गालियां देना ज़रूरी है बाकियों से बारत का इजहार करना तबर्री ये ज़रूरी है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा से मोहब्बत करना अहले सुन्नत का वतीरा है तो हाबिया रसूल ने उस वक्त अनस बिन मालिक रज़ी रजील ने फरमाया था हम भी कहते हैं मिर्ज़ा साहब सैदना मुआविया रज़ी अल्लाह का दिफा और अली रजी अल्लाह की मोहब्बत महबत अली रजी अल्लाह अल्ल् की मोहब्बत और सईदना मुआविया रज़ी अल्लाह लन की अक़ीदत एक दिल में जमा होना नामुमकिन नहीं है अगर आप कहते हैं ना कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर सईदना माविया का दिफा करें तो अली रजी की नफरत और बुग्ज ना हो तो ये आपका झूठ है हम भी सईदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह के अल्फाज दोहराते हैं काजा बू इन लोगों ने झूठ बोला है मिर्जा साहब आप और आपकी पार्टी ने अल्लाह तबारक अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमारे दिलों में मुआविया और अली की मोहब्बत दोनों जमा कर दी हम अल्लाह के फजलोक करम से सईदाना अली रज़ी अल्लाह उन्होंने से भी जान से मोहब्बत रखते हैं अहल बैत पे भी हम अपनी जान नशावर करने के लिए तैयार हैं और सईदना माविया रज़ी और दीगर सह कराम उन पर भी हम फिदा होने के लिए तैयार हैं हम दोनों से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ने दोनों की मोहब्बत और दोनों ग्रोहों की मोहब्बत और सब स्याबा और अहल बैर की मोहब्बत अल्लाह के फजलो करम से हमारे दिल में जमा होगी है अल्लाह की कसम हम सब अहल बैत और सब स्याा से महबत रखते मिर्जा साहब आपने नबी करीम अलैहि वसल्लम के सहाबा की तोहीन करने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी की है नबी करीम अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में अब खुल कर आप अपनी ज़ुबान को दराज़ करने लगे हैं आपने कहा कि स्याब कराम नवजुबिल्ला जहालत की मौत मरे मिर्ज़ा साहब आपने कहा आपका कॉल क्या है मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ फिर स्क्रीन पर लोगों को दिखाता हूँ ख़ुद आप भी देखें अल्लाह से तोबा करें आपने कहा हम इन्हें कहते हैं कि बताओ जिन्होंने अली बिन अभी तालिब जो इमाम भी थे और खलीफा राशिद भी थे उनकी बैत नहीं की वो जाहलीर की मौत ही मरे हैं ना आप किसी से सवाल कर रहे हैं कहते हैं कि वो साथ ही ठूस हो जाएंगे वो जवाब नहीं देंगे कि उनके पास जवाब नहीं होगा कि अली रज़ी की जिन्होंने मुखालफत की या जिन्होंने बैत नहीं की वो जाहलीत की मौत ही मरे फिर आपने कहा ख़ुद आपका जुमला है पहले तो आपने सवाल किया फिर सवाल के बारे में बताया कि नहीं वो जवाब नहीं दे सकेंगे बिल्कुल खामोश हो जाएंगे फिर आपने अपना कौल आपका हालाँकि वाकई जाहलीत की मौत है वो आपने कहा कि जिन लोगों ने सदना अली रज़ी अल्लाह की बैत नहीं की वाकई उनकी मौत जाहलीत की मौत है क्योंकि वो इमाम इमाम बरहक है नबी आलाम पीछे खड़े हैं जंग जमल सिफिन और नहरवान पर नबी करीम की प्रोफेसिस मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम के अंदर फिर हम कहते हैं कि यह बताओ कि जिन्होंने हजरत अली अबिनबी तलब जो वाकई इमाम भी थे और खलीफा राशिद भी थे उनकी बात नहीं की वह जाहलीत की मौत ही मरे हैं ना नली ठूस हो जाएंगे हालांकि वाकई जाहलीत की मौत है वो क्योंकि वो इमाम इमाम बरहक है नबी इलास््लाम पीछे खड़े जंग जमल सिफी नहरवान के ऊपर तो नबी इस्लाम की यानी प्रोफेसिस मौजूद हैं बुखारी मुस्लिम के अंदर मिर्जा साहब आपने कहा कि जो लोग सैदना अली रजी अल्लाह की बैत से रुक गए और वो सहब कराम थे ना मिर्जा साहब सैदा आयशा रजी अल्लाह और उनका गरो जिन्होंने जमल के मकाम पर सैदना अली रजी अल्लाह से इख्तलाफ़ किया और लड़ाई हुई जिन में तला व ज़ुबैर रज़ी नुमा अशरम व्बरम में से दो सहाबी शामिल हैं और दीगर जरूरकदर सबा शामिल हैं और फिर सैद्लाविया रज़ी अल्ला गुरोह जिन्होंने सिफीन के मकाम पर सईदना रजी से इख्ताफ़ किया और वहाँ लड़ाई हुई उनमें सैद्लामीरा बिन शोभा रज़ी अल्लाह जो बैतः रजवान वाले हैं जिनके बारे में आप भी कहते हैं अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और सईदना अमरबिननास रज़ी जिनके ईमान की गवाही नबी करीम अलैहि वल् ने दी है अबू मुसाशरी रज़ील्ला हैं जिनके ईमान की और अखलास की गवाही नबी करीम सलील्हलम ने दी है ये वो स्यादा कराम हैं मिर्जा साहब जिन पर आपने फतवा लगाया कि उन्होंने अली रज़ी अल्लाह की बैत नहीं की तो उनकी मौत जाहलीयर की मौत है नवोजिल्ल नवोज़ मिर्जा साहब आप अल्लाह से तोबा करें और ये मुनाफकत छोड़ दें और ये झूठा दावा करना छोड़ दें कि आप सहबा कराम का एहतराम करते हैं देखें आप अपने वालद साहब का एहतराम करते हैं उनमें सौ क्या हज़ार क्या लाखों गलतियाँ होंगी ना इंसान होने के नाते हम सब में होती हैं लेकिन आप उसके बावजूद अपने वालद साहब के बारे में ऐसे अलफाज कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि वो बिदती हैं वो ऐसे हैं वो जहलीत की मौत मर रहे हैं या ऐसे करें ऐसी बात नहीं करते आप अपने वालद के बारे में नहीं कहते कि उनका करैक्टर ढीला है हालांकि सौ गलतियाँ हो सकती हैं किसी इंसान में सईदानना माविया रजी अल्लाह अनहो के करैक्टर पर आप उंगलियाँ उठाते हैं सैदुन् हसान बिन साबित रजी अल्लाह जो शायरे इस्लाम हैं उनके करैक्टर को आप कहते हैं कि उनके करैक्टर में गलतियाँ थीं इसी तरह और सब के करैक्टर पर आप उंगली उठाते हैं अपने वालद साहब के करेक्टर पर कभी आप उंगली कभी नहीं उठाएँगे फिर अहतराम किस चीज़ का नाम है मर्जा साहब आप कहते हैं अहतराम एहतराम नहीं है मिर्जा साहब ये अहतराम नहीं है ये तोहन है ये गुस्साखी है आप अल्लाह के लिए तोबा करें हम आपको बार बार दावत फ़िकर देते हैं बार बार दावत फ़िकर देते हैं सईद अली रजी अल्ला के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने एक सियासी वजह से उन्होंने ये बयान दिया कि हमें सैदनान रजी अल्लाह के ख़ून का बदला अभी चाहिए कि सामान फौरी लेना है सईदना अली रज़ी उस हक़ में नहीं थे कि अभी हालात नॉर्मल होने चाहिए फिर बाद में हम लेंगे ये जो इख्तलाफ था ये दोनों तरफ से ज़ानियन था किसी का कोई आ, मतलब कोई बुरा मकसद नहीं था ना सईदना अली रजील्ह का जो बदब्त कहते हैं कि सईदना अली रजी ला सिर्फ़ अपने इकतदार के खातर लोगों को गजर मूली की तरह काटते रहे वो भी बदबक़्त नासबी हैं हमारा उनसे कोई त्ल्लुक़ नहीं है अहल सुन्नत कोई नहीं है वह नासबी हैं और जो लोग कहते हैं कि सईदना माविया रज़ी ला और आयशा रज़ी अल्लाह रजील्न और तल्ह ज़ुबैर रज़ील्लामुमा और दीगर साहब कराम अबू मसाशरी मुगीरा बिन शोबा अमर बिन आश रजील्न ये इकतदार के लिए ये माल दौलत के लिए लड़ते रहे वो भी राफ़ी हैं उनका भी अहल सुन्नत से कोई तल्लुक़ नहीं हम इन दोनों से बरी हैं तो दोनों इंतहाएँ हैं मिर्जा साहब एक इंतहा पर आप खड़े हैं दूसरे इंतहा पर नासबी लोग खड़े हैं हम अल्लाह के फजलोक से अहल सुनत बिल्कुल दरम्यान में हम कहते हैं और अदीश की रोशनी में अल्लाह के फजल करम से कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी जो हैं वे भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो अलामत नबूत हैं वो क्या हैं जिनको आपने छोड़ दिया है आप अपनी मर्जी की अलामत नबूत उठाते हैं और जो अलामत नबूत दूसरी बुखारी और मुस्लिम और हदीस की किताबों में उन्हें आप छोड़ देते हैं मिर्ज़ा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये प्रोफेसी नहीं है क्या आप अलैहि वसल्लम की नबूवत नहीं है कि आपने फ़रमाया फ़तः न बबिलक़ ये सही मुस्लिम में एक हज़ार चौंसठ नंबर हदीस है अलता फ़तः नबिलहक़ के दोनों ग्रोहों में से हक के जो ज़्यादा करीब है वो ख़बारज से किताल करेगा और वो अली रज़ी अल्लाह नो थे और दूसरा भी गलत नहीं है यहाँ इस हरी से ये मालूम हो रहा कि वो भी हक पर है लेकिन अली रज़ी अल्लाह नु ज़्यादा करीब हैं हक के दूसरा भी हक हाँ पर है वो बातिल पर नहीं है क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत नबूत नहीं थी कि आपने पहले ही बता दिया इस प्रोफेसी को आप क्यों नहीं मानते हैं और फिर सही बुखारी में दो हज़ार सात सौ चार नंबर जो हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के दो बड़े ग्रोह तौफ़त अजीमतैन दो बड़े ग्रोहों में इख्तलाफ होगा और मेरा जो बेटा हसन रजी अल्लाह अनु है वो इन दोनों में सुलह करवाएंगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और आपकी अलामत नबूत नहीं थी मिर्ज़ा साहब कि आपने उम्मत के दो बड़े ग्रोह करार दिया और जो गुमराह होता है जो बातिल होता है वो बड़ा होता है शान होता है वो गिरा क़दर होता है वो जलील कदर होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा रहे हैं मुआविया रज़ी अल्लाह के ग्रोह को मिर्ज़ा साहब और सईद आयशा रज़ी अल्लाह अल्ला के ग्रोह को ये जो सारे सहाबा सियासी तौर पर अली रज़ी अल्लाह से नाला थे इनके बारे में भी नबी करीम करीमलीस फरमाया ये बड़ा ग्रोह है शान ग्ररोह है और सैदना के ग्रोह को भी फ़रमाया शान ग्ररोह है क्या ये अलामत नबूत नहीं थी इसको क्यों छोड़ दिया आपने मिर्ज़ा साहब आपने इसका लोगों को क्यों नहीं बताया कि नबी करीम सल्ला वसम ने यह भी फरमाया है दूसरे ग्ररोह के बारे में और फिर नबी करीम सल्ला वसम का सैदना अब्दुल्लह बिन अमर बिन आस को यह हुक्म फरमाना के अत अबाका मादा मह मा वाला तासी ही सैदन अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस आशील् को आप ने फरमाया कि कभी भी अपने वालद की नाफ़रमानी आपने नहीं करनी अपने वालद की हमेशा बात माननी है नाफरमानी नहीं करनी जो भी कहें मानना है और अमर बिन आस रजील ने अपने बेटे अब्दुल्लह बिन अमर बिन आस को यह हुक्म दिया था कि आपने मुआविया रजी अल्लाह के ग्रोह में शामिल होना और वो ग्रोह में शामिल भी हो गए वो कहते हैं मैं लड़ाई नहीं कर रहा मुझे लड़ना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मैं अपने वालिद की नाफ़रमानी नहीं कर सकता मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया ये मुसरद अहमद में छः हज़ार पाँच सौ अड़तीस नंबर सिक्स फाइव थ्री एट नंबर है मिर्ज़ा साहब हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि बाकी सहाबा के भी वालिदैन थे लेकिन किसी को आपने ख़ास वसीयत नहीं फरमाई सैयदना अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को ख़ास वसीयत फरमा दी हालांकि ये बहुत नेक तबा थे बहुत शरीफुलनव्स थे इबादत में हर वक़्त गरक रहते थे और हत्ता के नबी करीम अलैहि वसल्लम को ये कहना पड़ा कि अल्लाह के बंदो कुछ अपने घर वालों को वक्त दो कुछ अपने जिस्म का ख्याल करो कुछ मेहमानों का ख़्याल करो इतनी इबादत अच्छी नहीं है वो वाक्य आपको मालूम है कुरान उन्होंने पढ़ने का तो आपने फरमाया महीने में एक दफ़ा कहीं नहीं अल्लाह के रसूल मुझे और इजाज़त दी फिर चलते 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 तीन दिन का आपने फरमाया कि तीन दिन से तीन दिन में पढ़ लो तो रोज़ों के बारे में कहते मैं रोज़ रखना चाहता हूँ आप फरमाते नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखना है चलते चलते बात आ गई आपने फरमाया सौ में दाऊद रख लो एक दिन रोज़ा रखो एक दिन छोड़ दो इससे ज़्यादा नहीं करना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इबादत से रोक रहे हैं फरमाया ज़्यादा इबादत करते हो इतने इबादत गुजार और नेक तबा शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा रहे अपने वालिद की ना नहीं करनी कभी अपने वालिद की बात माननी इसका क्या मतलब है वालिद की बात तो पहले ही उसने माननी थी कुरान का हुक्म ना था कि तो वालिदैन की फरमा फरमाबरदारी करनी है हमसे उसने सलूक करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं थी थी ना इसके बावजूद उनको खुसूसी वसीयत फरमाई इसकी वजह क्या थी ये अलामत नबूवत है मिर्जा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात सुझाई थी बज़रिया वही ऐसा होना है और बिन बिन अमर बिन आस ने उस वक्त किस ग्रोह में शामिल होना है आपने बता के जाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई और उन्होंने अपने वालिद की बात मानी और मुआविया रजी रजिया के ग्रोह में शामिल रहे कहा मैं लड़ाई नहीं करता मुझे लड़ाई अच्छी नहीं कर लग रही लेकिन अल्लाह के रसूल ने मुझे वसीयत फरमाई कि अपने बाप की बात माननी है कभी नाफरमानी नहीं करनी हो मेरे बाप का मुझसे मुतालबा यह है कि मैं मुआविया रज़ी के ग्रोह में रहूँ और अगर ये बातल पर था तो क्या नबी कर रहीम अपने सिहाबी को ये कह के जा रहे हैं कि अपने बाप की, की बातल बात माननी है नवजबिल्ल क्या यहामत नबूत नहीं है मिर्जा साहब क्या क्या हम आपको बताएँ क्या अशरम वबशरा में से तला वुबैर रज़ी नुम का सैदना अली रज़ील्हू की सियासी मुखालफ में सैदना माविया रज़ी सईद आयशा रज़ी और क्राम का साथ देना क्या यह आपके नज़दीक अमामत नबूत नहीं है जिनको अल्लाह के रसूल वसल्लम जन्नत की बशारत एक ही मौके पर दस सयाब कराम को दे रहे हैं जिनमें खलफाए अरबा भी हैं अबू बकरमानजी उनके साथ तला व ज़ुबैर का नंबर है बाद में और उनके बाद बाकी जो चार और सयाबा हैं दस सियाब कराम को एक ही मौके पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं उनमें से जो खलफाए अरबा के बाद तला ज़ुबैर हैं आप अगर तरतीब रखें तो यही तरतीब उमूा आपको पढ़ाई भी जाती है याद भी करवाई जाती है अबू बकर उमर उस्मान अली स्मानोली जुबैर और आगे तो क्या इन अशरा मुबशरा का जन्नत की बशारत एक ही मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाने वालों का सैदना अली रजी रजील्ल्लाव से सियासी अख्तिला करना क्या ये अलामत नबूत नहीं है कि दो भी गलत नहीं होंगे अली रजी अल्लाह अल्लाक बजानब लेकिन गलत वो भी नहीं है क्या ये प्रोफेसी नहीं है क्या ये अलामत नबूत नहीं है मिर्ज़ा साहब और नबी करीम सल्हल के वो सहाब कराम जिनके ईमान की गवाही दी मुसरद अमद की हदीस हम कई दफ़ा पेश कर चुके कि अमर बिन आश रज़ी के बारे में नबी करीमलम आस ही मोमिन आस के दोनों बेटे मोमिन हैं दो बेटे आस के मोमिन हैं और नाम लेकर आपने सुना है हिशाम और आमर हेशाम भी मोमिन है एशाम बिन अलास और अमर बिन अलास भी मोमिन है उस मोमिन से जिसकी ईमान की बशारत नबी करीम बज़रिया वही दे रहे हैं उसके बारे में झालवी साहब ने वो खुराफा बकी हैं कि वो नौज़ बिल्ला करप्शन करते थे और वो खराज खाते थे बैतुल माल उन्होंने जनाब अपनी जेब में डाली नौज़ बिल्ला इतने झूठ घड़े उन्होंने तो क्या यह नो तो आपको नजर नहीं आती कि जिसके ईमान की गवाही मोहम्मद रसूल अल्लाम दें और हम सही मुस्लिम की हदीस जो आपने जिसमें डंडी मारी थी उसको हमने जब उसकी सही एक्सप्लेनेशन की तो उसमें हमने बताया था कि सही मुस्लिम की हदीस है वो आने वाला जो सैदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह की वफ़ात के बाद उनके पास आया वफ़ात के वक्त उनके पास आया वो आकर उन्हें कहता कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकरीन में से थे आप फौत हुए तो आप करीबी लोग थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वो अमर बिन आस जो मकरबीन में से हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी राजदान साथियों में से हैं और जिनके ईमान की गवाही रसूल वसल्लम ने दी है क्या उनका सैयदना अली रजी अल्लाह की सियासी मुखालफत करना और मुआविया रज़ी के ग्रोह में होना क्या यहमत नबोज नहीं मिर्ज़ा साहब आपको नज़र आती और फिर अबू मसा अशरी रज़ी अल्लाह अबू मा अशरी रज़ी अल्ला नबी करीम वसल्लम से एक सही ने पूछा कि ये आवाज़ आ रही कुरान पढ़ने की आतुरा मुरा अल्लाह के रसूल आपका क्या ख्याल है ये रयाकार है आप सल्ला ने देखा नहीं कौन है तो र है फ़रमाया कि नहीं बल मुनीबुन ये तो मोमिन भी है इसके ईमान की गवाही मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह वसल्लम देता हूँ और उससे अल्लाह के क़ुरब की गवाही भी मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह वसल्लम देता हूँ ये अबू अशरी जब देखा गया तो अबू अशरी थे देखे बग़ैर आवाज़ सुनकर वसल्लम ने उनके ईमान की और उनकी इनावत की गवाही दी जाहिर है ये वही इलाही से थी तो वो अबू मूसा अशरी सैदा रज़ी लियासी मुखालिफ हैं और माविया रज़ी के ग्रोह में और सरकरदा अफराद में से हैं मिर्जा साहब क्या ये अलामत नबूत नहीं है इस बात की वाज दलील नहीं है कि वो ग्रो भी हक पर होगा वो बातिल पर नहीं है वो मालो इकतदार के भूखे नहीं हैं और फिर सैदा मुहीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ये बेहतर रजवान वाले हैं मिर्ज़ा साहब जिनके बारे में आप भी कहते हैं ना कि अल्लाह इनसे राजी हुआ कि अल्लाह ने जो राज़ी होने की बात की है वो तो असल में बेत रिजवान वालों के बारे में हम तो कहते हैं सब से अब्बा से अल्लाह राजी हुआ ना आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ बेहतर रिजवान वालों से हुआ चलें ठीक है इतनी बात तो आप मानते हैं ना कि मुगरा बिन शोबा बेहतर रिजवान वालों में से भी थे और बेहतर रिजवान वालों पर अल्लाह राज़ी हो चुका है और उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया फ़ालिमा माफ़ी कलूबी इनके दिलों को तो मैंने परख लिया है इनके दिलों का तो मैंने इंतब कर लिया है ये तो पाक साफ दिलों वाले हैं ये येमत नबूत नहीं कि वो भी मुआविया रजी रजील के गुरु में हैं वो भी सही अली रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ निकलने वालों में से हैं तो क्या आप नबूत किन्हें कहते हैं आप बार बार जो कहते हैं कि प्रोफेसीज़ हैं नबी करीम सलीम की अगर अली रजी रजील्हू के बारे में हैं तो मुआविया रजी रजील और दीगर उनके साथियों के बारे में भी तो हैं वो क्यों आप हड़प कर लेते हैं ये इंसाफ का तकाजा नहीं है मिर्जा साहब कि आप जो आपको पसंद आए पिक एंड चूज़ करें जो चीज़ आपको पसंद है वो ले लें और शरीयत को बाकी आप मुनदिम कर दें और उसकी धजियाँ बखेरना शुरू कर दें तो मिर्ज़ा साहब ये हैंत नबूत नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ी अल्लाह रज़ी और उनके साथियों के बारे में भी बकायदा पेश गोयाँ की थी और उनके बारे में भी बताया था कि ये भी हक वाले हैं ये भी अल्लाह के मकर्रबीन हैं ये भी जलीलुल कदर हैं ये भी अजीम ग्ररोह हैं जलीलुल कदर और अजीम शान हैं हाँ इश्तहादी तौर पर इख्तलाफ हुआ दोनों को अल्लाह के यहाँ अजर मिला और आप भी मानते हैं कि ये इश्त मसला था ना आपने अपने पम्फलेट में लिखा था अब पता नहीं आपका क्या मौक़ है आपके पम्फलेट में अभी तक लिखा हुआ है कि ये इश्तहादी मसला था और आपने ये भी लिखा हुआ है कि इश्तहादी तौर पर कोई ख़ता करे तो अल्लाह उसे एक अजर ज़रूर देते हैं जिसको अल्लाह अजर दे दे आप उस पर नाराज़ होते हैं आप कहते हैं कि उन्होंने दीन का नुकसान कर दिया नौज़ु यानी अल्लाह अजर दे रहा है और आप उसे दीन का नुकसान करार दे रहे नौज़ु बिल्ला नौज़ुबिल्ला तो ये सहब कराम है मिर्ज़ा साहब जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये जहलीत की मौत मार गए नौज़ुबिल्ला ये सहाब कराम जिनके बारे में ये फ़ज़ाइल हमने आपको सुनाए सही अदीस की रोशनी में उनके बारे में आप कहते हैं कि ये वाकई जाहलीत की मौत मरें नज़ुबिल्ला मिर्ज़ा साहब आप अपनी फ़िक्र करें अल्लाह तबारक वताल से तोबा करें कहीं ये ना हो मौत के वक़्त का क्या पता है कब आ जाए और अगर आप इसी अकीदे और अमल पर इस दुनिया से चले गए तो फिर आपकी आखरत बर्बाद हो जाएगी मिर्जा साहब इन पाकबाज़ हस्तियों के बारे में आपने इतनी इतनी, इतनी खुराफात कही हैं इतनी इतनी बुरी बातें और ज़ुबान दराजियाँ की हैं कि अल्लाह तबारक वाली आपसे ज़रूर पूछेगा मिर्ज़ साहब आप तौबा कर लें अल्लाह तबारक व ताली से इस दुनिया में ही अपने आप को इस जुर्म से पाक करके जाएं फिर आपने कहा कि ये जो स्याब कराम रजवानल मजमाइन सयदना अली रज़ील् की मुखालफत करते रहे ये माल दौलत के लिए लड़ते रहे इनका तो मतम नज़र ये था कि हमें इकतदार मिल जाए माल मिल जाए नौज़ुबिल्ल नौजबिल्ला हम बता चुके हैं कि ये कौन है स्याब इक्राम अच्छा अब आपका जो अंदाज है ना बड़ा खुफिया है बहुत खुफिया तरीके से आप नकब लगाने की कोशिश करते हैं अक्सर नाम नहीं लेते लेकिन इशारा कर जाते हैं मैं आपको बताता हूं कि आपका तरीक़ा वारदात क्या है लोगों को भी पता चलेगा कि आपका तरीक़ा वारदात क्या है आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत खड़ी की थी कितनी आपने तजकिया किया है लेकिन तीस साल के बाद जब उस दावत के अंदर दरारें डली हैं किस बुनियाद पर डली हैं माल के फितने की वजह से बुहारी मुस्लिम की हदीस है मुझे ये ख़तरा नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक में मुबतला हो गए जो आपका आखिरी खुतबों में से खुतबा जो गज़बा वह के शहदा पे आपने दिया था अलबत मुझे डर है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे फिर उसी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग तो दुनिया की मोहब्बत में माल मनसब वजाहत ये सब कुछ आती हैं तो इसी की वजह से सारा ये बनो मैया बनू बास के जो ये सारे मामलात हैं कि एक बाप जो है मतलब उसको बेटा कतल करवा देता था

आपका इशारा यह है कि सईद ना माविया रज़ी पूरे तीस साल बाद वो खलीफा बने हैं ना माविया सईदमाविया रज़ील्न की खिलाफत उनका दौरे इकतदार जो है वो तीस साल बाद शुरू हुआ जैसा कि आप ये पंफ्लट में भी लिख चुके हैं कि मुदत खिलाफत तीस साल इस पर हम इंशाल्लाह कभी फिर दोबारा मुफसल गुफ्तगू करेंगे कि ये जो आप कहते हैं मुदत खिलाफत जब तीस साल है तो फिर सईदन मुआविया रजी अन्हु खलीफ़ा कैसे हैं हम बताएँगे मेरे जैसा पहले भी हम वैसे थोड़ा सा बता चुके हैं लेकिन अब और तफसील से बताएँगे और अल्लाह के फजल करम से रात ही एक शख्स से बात हुई और उसे अल्लाह ने हिदायत दे दी हमने उसे लाइव वीडियो चैट किया और वो मिर्जा साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था और वो चाहता था कि मैं मिर्ज़ा साहब से मुलाकात भी करूं मैंने कहा कि आप मुलाकात करें अभी छोड़ें नहीं मुलाकात ज़रूर करें उनसे और हमारे सवाल जो आपको समझ आ गए उनसे जाके क्वेश्चन करें पता चले कि वो जवाब देते हैं कि नहीं और यकीन नहीं देंगे लेकिन अल्लाह तबारक वाणी उन्हें हिदायत दे दी हम इस पर मुफसल गुफ्तू करेंगे तो बताना ये चाहता हूँ कि मिर्जा साहब आपने कहा कि तीस साल बाद यानी सईदा मुआविया रजी अल्लाह के दौर के बारे में आपने कहा कि ये जो दरारें डली हैं ये किस बुनियाद पर डली हैं माल के फितने की वजह से नवज़ुबिल्ला क्या सईदना मुआविया रजी अल्लाह माल के फ़ितने में मुतला होकर अली रजी अल्लाह से इख्तलाफ़ करते रहे व इन्ना फिर हदीस फिट करने की कोशिश की बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मुझे ये ख़तरा नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक में उतला हो जाओगे बल्कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे अब यहाँ देखें मिर्जा साहब आपकी ख्यात देखें और आपकी जलालत देखें कि लोगों को आप किस तरह गुमराह करना चाहते हैं हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम एक दूसरे को कत्ल करोगे माल की वजह से यानी लड़ने वाले दोनों का मतम नजर माल होगा एक दूसरे को कतल करेगा माल की वजह से दूसरा पहले को कतल करेगा माल की वजह से अगर इससे मुराद सईदना माविया रजी अल्लाह नो हैं तो नवजबिल्ला ये तो सईदा अली रजी अल्लाह नो पर भी हरफ आ रहा है मिर्जा साहब और मिर्जा साहब के जो सामीन हैं हम दस्त बस, बस्ता उनसे अर्ज करते हैं अल्लाह के लिए आप गौर तो करें क्यों जहालत में आप और जलालत में धंसते चले जा रहे आप गौर नहीं करते बल्कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे एक दूसरे को कत्ल करना होता है बहम एक का दूसरे को कत्ल कर देना एक यक तरफा हो तो एक दूसरे को कत्ल करना नहीं होता वो वो होता है कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया जब बहम के ताल लड़ाई एक दूसरे को कत्ल करना यानी एक पहला दूसरे को कत्ल करना चाहता है दूसरा पहले को कत्ल करना चाहता है किसकी वजह से माल की वजह से तो क्या नौज़बिल्ला सहीदनाली रज़ील्लाह मतम नजर भी माल था असतफरल्ला ये तो तुहिन है सहीदा अली रज़ील्हो की भी लेकिन देखें मिर्जा साहब फिट कैसे करते हैं कहते हैं कि तीस साल बाद जब इस निज़ाम में दरारें पड़ी हैं तो माल के फितने की वजह से और हदीस फिट कर रहे हैं कि तुम एक दूसरे को माल की वजह से कतल करोगे नौज़बिल्ला कहते हैं दुनिया की मोहब्बत में मनसब वजाहत ये सब कुछ आता है कहते हैं दुनिया की महब्बत माल दौलत मनसब इकतदार वजाहत ये सब कुछ आता है तो इसी वजह से बनो मैया बास के जो मामलात हैं एक बेटा दूसरे बाप को कत्ल करवा देता था तीन बेटे हैं तो एक भाई दो भाइयों को कत्ल करवा देता था यही चलता रहा तो इसीलिए सब कुछ हुआ भाई जिन्होंने ऐसे किया माल की वजह से वो तो अपने इंजाम को पहुंचे लेकिन क्या तीस साल बाद कहकर आप सईदिया रज़ील्ला के दौर को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं और बाद के भी इतने अदवार जिनमें इस तरह नहीं हुआ कि बाप ने बेटे को कत्ल किया हो या भाई ने भाई को कत्ल किया हो और जिनके बारे में नबी करीम सल्लम की प्रोफेसिस मौजूद हैं और आप सलील वसलम की वाज बशारत मौजूद हैं सईद्माविया रज़ी के बारे में अलमोजुमकवीर तबरानी की रवात जो हम बार बार पेश करते हैं ग्यारह नंबर ट्रिपल वन थ्री एट कि नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दौर नबूत राहमत वाला है मेरे बाद खिलाफत तो राहमत होगी उसके बाद मुल्कन वाहमतन बादशाहत राहमत वाली होगी नबी करीम अलैहि वसल्लम तो उसे राहमत वाला दौर करार दे रहे हैं मिर्ज़ा साहब आप उसे ों सेम करार देते हैं और कहते हैं कि नबी करीम के निज़ाम में दरार पड़ गई नबी करीम तो उसे अपना निज़ाम करार दे रहे फरमा रहे हैं कि ये नबूत व राहमत है फिर खिलाफत व राहमत है फिर बादशाह रहामत है फिर इमारत व राहमत है और आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये जनाब दरारें पड़ गई नौजुबिल्ला और ये माल का फितना था ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीस के भी ख़िलाफ़ है और ये अली रज़ी अल्लाह अल्ला की भी तोहन है जैसा कि हमने बताया कि एक दूसरे को माल की वजह से कत्ल करोगे ये हदीस अगर फ़िट हो सईदना माविया रज़ी अल्लाह पर तो ये बिल औला बिलौला अली रज़ी अल्लाह नौ पर फिट हो जाएगी और वो लोग नासबी जो हैं वो कहते हैं कि ये इकतदार के लिए अली रजी अल्लाह लोगों के खून बहाते रहे नौजुबिल्ला बिल्कुल ये यही ये बात तो आप कर रहे हैं मिर्जा साहब उन लोगों को फिर आप गलत क्यों कहेंगे हालांकि वो भी मुजरम है और आप भी मुजरिम हैं आप टारगेट करना चाहते हैं सहीदना माविया रजी को वो टारगेट करना चाहते हैं सईदाना अली रजी को जबकि दोनों हकीकत में सब से आप सब अहले बैर को टारगेट कर रहे हैं उसकी मिसाल आपने देख ही ली कि आप सहीदन माविया रजी पर अटैक करने के लिए सईदान अली रजी पर अटैक कर बैठे तो अल्लाह तबारक वाली आपको हिदायत नसीब फ़रमाए सईदाविया रज़ी के बारे में आप कहते हैं कि वो माल के लिए लड़ते रहे सईदा ममाविया रजी लन वो हैं वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में उम्र मुमिन सैद आयशा रजी अल्ला फरमाती हैं कि मेरी उस दौर में जब इख्लाफ था मुसलमानों में जब ये इंतशार फैला हुआ था मुसलमानों में जब दोनों की लड़ाई हुई दो ग्रोहों की उस वक़्त मेरी तमन्ना ये थी कि अल्लाह मेरी उम्र मुआविया को लगा दे सयदा आयशा रदी अल्लाह उमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया आखरत में जो बीवी हैं जिनकी सदाक़त की गवाही के लिए अल्लाह ने कुरान में आयात नाजिल फरमाई वो उम्रम मिर्ज़ा साहब फ़रमाती हैं कि मेरी उम्र मुआविया को लग जाए उस मुआविया के बारे में आप कहते हैं कि वो माल दौलत के लिए लड़ते रहे नौज़िला नौ जबिल्ला और जिस मुआविया के बारे में नबी करीम सल्ला वल् फ़रमाएँ कि अल्लु जैसिम नमद यकजूनबारा कद जबू कि जिनको अल्लाह तबारक व तैने ये सहारत बख्शनी है कि गजबाए बाहर उन्होंने करना है उन सब ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया और सैद्माविया रज़ी अल्लाह उस लश्कर के सिपा सलार हैं जब एक एक सिपाही पर जन्नत वाजिब है तो सिपा सलार जो है अल्लाह अकबर और फिर यही बात नहीं है सही मुस्लिम की हदीस है सैद उम्म हराम रज़ी अल्लाह कहती हैं नबी करीम सल वसम सोए हुए थे अम्बिया के ख़्वाब वही होते हैं वही होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए ख्वाब देखा उठे तो मुस्कराते हुए मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल क्यों मुस्करा रहे फरमाया मैंने अपने उन उम्मतियों को देखा है अपने उन सहाबा को देखा है अपने उन जानिसारों को देखा है जिन्होंने बाहर किया जन्नत के तख्तों पर टेकें लगाए हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब को देखा जितने भी लश्कर में मौजूद थे तो सलार नज़र नहीं आया होगा भला सैदना मुआविया रजी अला तो वो जलील कदर हस्ती हैं जन्नत की बशारत पाने वाले मोहम्मद रसूल अल्लाह सल वम की ज़ुबानी उनके बारे में कहते हो तो कि वो माल के लिए लड़ते रहे नवजिल्ला और फिर वो मुआविया रजी अल्लाह जिनके बारे में अबू सईद रजी अल्लाह रजील् फरमाते अबू अबूदरदार रजी अल्लाह क्या फ़रमाते हैं कि मैंने मोहम्मद रसूल सल्ला वसलम के बाद आप आपली वसम जैसी नमाज़ पढ़ने वाला मुआविया से बढ़कर कोई नहीं देखा इतना मतबे सुनत सबी सैद नाम माविया रज़ी अल्लाह उसके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे नवजिल्ला और वो कातब वही जिनको जिनकी अमानत दयानत इतनी मुसलमा थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की किताबत के लिए उन्हें अपने पास मक़र फरमाया उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरदर नस्बती सैदा उम हबीबा जवज रसूल सल्ला वल् उनके भाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे मिर्ज साहब मुग़रा बिन शोबा रजी अल्लाह जिनके बारे में आप भी मानते हो कि रजी अल्लाह व रजुन वो अल्लाह से राजी हुए अल्लाह उनसे राज़ी हो गया हमेशा हमेशा के लिए वो आलिमा मफ़ी को उनके दिलों को तो अल्लाह ने जाँच परख लिया था उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे अमर बिन बिनाश रज़ी अल्लाह अल्लान जिनके ईमान की गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकर्रबिन और राजदानों में से थे सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे और जिस अबू मूसा अशरीक़ो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे बगैर आवाज़ सुनकर फरमाया मो मुनीब बुन बज़रिया वही उनके ईमान और उनकी इनाबत की गवाही दी मोहम्मद और रसूल अल्लाह सल वसलम की ने उनके बारे में कहते हो कि माल के लिए लड़ते रहे मिर्ज़ा साहब आपको अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता आप हक़ को कबूल क्यों नहीं करते अल्लाह तबारक मतलब आपको हिदायत नसी फरमाए फिर आपने सईदा माविया रज़ी अल्लाह पर दोबारा से ज़ुबान दराजी की पहले भी आप कई दफ़ा कर चुके हैं कि सईदा माविया रजी अल्लान नवज़ुबिल्ला लोगों का माल ना हक खाते थे और ना हक़ खिलाते थे लोगों का माल दूसरों को और लोगों को ना हक कत्ल करवाते थे ये आपने पहले भी कई दफ़ा इल्ज़ाम लगाया फिर आपने इसको दोहराया और कहा क्या कहते हैं कि इस पर हेडिंग कायम करें तो क्या कायम होगी अगर ये कहा जा रहा है सही मुस्लिम में फोर डबल सेवन सिक्स के अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को खान काबे के सये में बैठे हुए एक शख्स आके कहता है कि आप हमें एतात अमीर पे हदीसें सुनाते हैं और आपके चचा का लड़का मुआविया माविया इबिनबी सूफियान रदील्लान हो वो हमें कहता है कि हम लोगों को ना हक कतल करें और उनका माल हराम तरीके से लूटें जबकि कुरान सुर निसाब में कहते हैं लोगों को नाहक कत्ल ना करो और बातल तरीके से एक दूसरे का माल न खाओ तो हम कुरान पे अमल करें या आपके चचा के लड़के मुआविया को अमीर के तौर पे उसकी बातें अल्लाह के ख़िलाफ़ माने अब इसके ऊपर क्या एडिंग बनेगी एडिंग ही बनेगी ना चलें मैं उसको कोर्ट वर्ड में फ़लां शख्स लोगों को नहाक कत्ल भी करवाता था और आराम खोरी भी करवाता था ये दरअसल एक ताबी हैं एक ताबी हैं अब्दुलरहमान तो बिन अब्दरब काबा एक ताबी उनका बयान ये है कि माविया रज़ी अल्लाह हमें हुक्म देते हैं कि हम नाक तरीक़े से लोगों का माल लूटें और नाक कत्ल करें इसके बारे में हमारा पूरा एक पूरा भरपूर वीडियो क्लिप मौजूद है यूट्यूब पर जिसको लोगों ने देखा है अल्लाह के फजल कर करम से हिदायत भी पाई है कि इस हदीस का मतलब क्या है मैं एक मिनट में ये वजाहत कर देता हूँ तफसील के लिए आप वो क्लिप देखिएगा दरअसल वो कहना चाहते हैं कि सईदना अली रज़ील्हू से इख्तलाफ करना सईदा माव्य रजी का ये नाहक है और इस इख्तलाफ़ में जो माल खर्च हो रहा है और जो लोग जान से जा रहे हैं ये नाहक हैं ये मुराद थी उनकी बोला कि वो कहना चाहते थे कि सैदना अली रज़ी से अख्तलाफ सदना माव्य रजील्ह का नाहक है ये उनका मौक़ था जबकि सैदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आश रजील्न जो सहाविय रसूल हैं जो इसकी बात सुन रहे हैं वो उसकी तस्दीक नहीं कर रहे वो तो फरमा रहे हैं भी जो बात आपको सही लगती है उसको कबूल कर लो और आपने तो बहस को ख़त्म किया है ना हर बंदा अब एक जो सपोर्टर है सईदना रज़ी को दूसरा सपोर्टर सही माविया ऱी का दोनों हक़ समझ कर ही लगे हुए हैं ना सईदना अमर बिन आस रजी हो सईद माविया रज़ी को हक़ समझते थे और ये जो ताबी था अब्दुलरहमान बिन अब्द ये सईदना रजी को हक़ समझता था इसलिए वो कह रहा था कि ना हक है इसका ये मतलब नहीं नवज़िल्ला सीदना माविया रजिय ऐसे लोगों को कतल करवाते रहते थे नौज़बिल्ला इसफ़िर इसफफिरल्ला अच्छा कहते हैं कि इस पर हेडिंग क्या बननी चाहिए हेडिंग यही बनेगी ना कि फ़लाह शख्स लोगों को ना हक कत्ल भी करवाता था और हराम खोरी भी करवाता था नौज़िला नौज़ बिल्ला मेरे साहब हेडिंग ये बनेगी कि एक जहरील कदर सहयिय रसूल का फाम छोड़कर एक ताबी की बात को कबूल करना क्या माना रखता है सहीद माविया रजी के बारे में सिहाबा की गवाही छोड़कर सईदा ऐशा की गवाही है मेरी उम्र अल्लाह उसे लगा दे शहीदरदा की गवाही है कि नवाज के हवाले से इतना मतबस सुनत मैंने देखा ही नहीं सहीदना साद बिन नबी वकाश रजी अल्लाह की गवाही भी है शहीदना साद बिन नबी वकाश रजी अल्लाहन की गवाही भी है कि मैंने इतना हक बरस तो देखा ही नहीं जितना माविया रजी अल्लाह है इन सब की गवाही को पीछे छोड़कर और जो सहाबा सैदना माविया रज़ी अल्लाह के साथ हैं उन सब की गवाहियों को और उनके इतकार को पीछे छोड़कर एक ताबी जो सियासी तौर पर सईदना रजी अल्लाह का हामी है और सईदना माविया रज़ी अल्लाह का मुखालिफ है उसकी बात को ग़लत कोट करना और गलत रंग देना मिर्जा साहब ये क्या है ये हेडिंग बनती है कि असल खबासत कहाँ है असल खबासत कहाँ है इस हदीस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सैदना माविया रज़ी अल्लाह की शान को कम कर सके मिर्ज़ा साहब जो लोग अली सहीदनाली रजील्ला को समझते थे कि वो नाक हैं इस मसले में वो कहते थे कि ये सारा कोई नाक को हो रहा है और जो सहीदना माविया रजील् नाक समझते थे वो कहते थे ये ना हकू हो रहा है इसको ये बाबा कराना के कि सहीदना मोविया रजील् लोगों का माल लूटना का हुक्म देते थे नाहतल्लाजिम उम्मत का फाहम क्या है कहाँ तीन सौ साल का फाहम आप बार बार बात करते थे मिर्जा साहब कि हम तीन सौ साल के जो पहले मुसलमान उनका फाहम लेते हैं उन तीन सौ सालों में से किसी का फाम है इस ताबी ने जो बात कही है उसका भी फाम यही था कि वो सईदना माविया रजी अल्लाह का हक़ नहीं बनता सहीदर अली रजी के खिलाफ कुछ भी करने का लिहाजा ये मामला ठीक नहीं है उसको कहना कि वो गारत गरी कत्लो ग गारत करवाते थे माल लूटने का हुक्म देते थे ये फार्म किसका है मिर्जा साहब ये तो उस्तादी का भी फार्म नहीं है जो सैदा अली रजी का हामी और सैदा माविया रजी के मुखालफ है और यहाँ पर ये बात कर रहा है उसका भी फार्म ये नहीं है ये फार्म आपने कहाँ से ले लिया और शारहे सही मुस्लिम अलामा नवी रहम्ला ने बड़ी तफ़ील के साथ ये लिखा है कि भई इसका मतलब यह है लेकिन जिन लोगों को अरबी ज़ुबान से कुछ लेना देना नहीं जो कुरान का तर्जमा करना तो दूर की बात है कुरान का टेक्स्ट सही नहीं पढ़ सकते और जो हदीस का तर्जमा और तशरी करना तो दूर की बात तो हदीस का टेक्सट सही नहीं पढ़ सकते वो बेचारे क्या जाने कि इस हदीस की शरह क्या है और शारहन ने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या है मिर्जा साहब आप क्यों ऐसा करते हैं हेडिंग ही अगर आपने बनानी है तो आप बनाएं कि जलीबा के बरखलाफ़ सदनामाविया रज़ील् के बारे में एकताबी की बात को ग़लत कोट करके तोड़ मरोड़ कर रकीदा बनाने वाले की क्या हैसियत है और सैदाग़ी रजी अल्लाह अल्जल देबिया वाले हैं सैदा बिन आज़ जिनके ईमान की गवाही नबी करीम करीमली वसलम ने दी है सईदन अबू मूसा अशरी जिनके अखलास और ईमान की गवाही नबी करीम करीमली ने बज़रिया वही दी है वो सारे सईदा माविया रज़ी अल्लाह को हक नहीं कहते उनके अमल को ना हक नहीं कहते उनके मुकाबले में एक ताबी कहता है और उसकी बात को गलत कोट करके गलत रंग देकर आप क्या करना चाहते हैं मिर्जा साहब आपको क्या फ़ायदा होगा लोगों को गुमराह करके सब लोगों का वबाल आप अपने कंधों में डाल के क्यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश होंगे क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक वाले को, को फिर आप हर मौके पर शिया की हमनवाई करते हैं और अहले सुन्नत से बेवफाई करते हैं नाम आप अहले सुन्नत का लेते हैं कहते हैं मेरा अकीदा अहले सुन्नत वाला है और वेबसाइट का नाम अहले सुन्नत पाक डॉट कॉम रखा हुआ है मिर्ज़ा साहब आपने लेकिन आप हमेशा शिया की हमनवाई करते हैं कहते हैं जिन लोगों ने सैदना अली रज़ी अल्लाह से बुक्स का इजहार किया उन्होंने कौन सी बिदत जारी की कहते हैं अहले सुन्नत के सफ़ेद दाड़ियों वाले को भी पता नहीं होता शी के बच्चे बच्चे को पता है कहते हैं कि सैदना अली रज़ी अल्लाह से बुज़ का इजहार जिन्होंने किया उन्होंने कौन सी बिदत जारी की अली से जिन लोगों ने बुक्स का इजहार किया तो उन्होंने कौन सी बिदत जारी की तो अहले सुन्नत के तो सफ़ेद दाढ़ियों वाले को भी नहीं पता होता और शिया के बच्चे बच्चे को पता होता है कि आले मैया के दौर में सुलह हसन से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौरे खिलाफत स्टार्ट होने तक ये जो मलूकियत के साठ साल है मंबरों पर अली पे सब्बोशम होता था मुआविया रज़ी अल्लाह की तरफ इशारा है और ये बात हम उनकी ज़ुबानी मिर्जा साहब की कई दफ़ा पेश कर चुके हैं कि वो सईदाविया रज़ी अल्लाह के बारे में नाम लेकर कहते हैं उन्होंने बिदत जारी की ना नौज़िल्ला कहते हैं कि शिया के बच्चे बच्चे को पता होता है कि आले उमैया के दौर में सुलह हसन से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौरे खिलाफत स्टार्ट होने तक जो मलूकियर के साठ साल हैं मेंबरों पर सयदना अली बे ब्ब्बो शतम होता था कहते हैं कि साठ साल हम हम क्लिप रिकॉर्ड करा चुके हैं और चैलेंज दे चुके हैं कई दफ़ा मिर्ज़ा साहब दो दफ़ा तो हमारा क्लिप ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है कि अगर आप साबित कर दें कि साठ साल मेंबरों पर लानत होती रही आपको मुंह मांगा इनाम हम देंगे उसके बारे में कोई एक सीस्नात रिवायत आप पेश कर दें आपको सयोल स्नात रिवायत कोई नहीं ना मिली मिर्जा साहब तो आपने तारीख़ुल खुलफा सियोती का हवाला दे दिया तारीख़ुल खुलाफा का हवाला दे दिया हालांकि उसमें कोई सनद ही नहीं उसमें कोई सनद नहीं है और जहाँ पर सनद है वहाँ अबू मखनफ लूत बिहा झूठा रावी कज़ाब है मिर्जा साहब ये बात हम बार बार आपको बता चुके हैं आप क्या रुझू करने के लिए तैयार होंगे आप बताएंगे लोगों को कि मैंने ये ख़यानत की थी और ये दयानत के मुनाफी काम किया था और आज मैं इसे तौबा करता हूँ कहाँ है इसकी सनत के मेंबरों पर लानत होती रही लानतबीन ऐसा कुछ नहीं था यह आपने झूठा किया रजी को बदनाम करने के लिए कहते हैं शिया कहते हैं कि ये तो आले मैया की बिदत है तो हम कहते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि जी ये तो यानी आले मैया की बिदत है तो हम कहते हैं ठीक है आले मैया की बेदत है मैं बताऊं कि आले उमैया में सैदना उस्मान रज़ी अल्लाह भी शामिल हैं सहीदना मोविया रज़ी अल्लाह सहीदना अबू सुफियान रजी अल्लाह भी शामिल हैं इन सब सिहबा कराम की तोह आप करते हैं कि अल उमैया की बिदत है अल उमैया की बिदत है मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ सैदना माविया रज़ी अल्लाह से मम्बर पर तो कुंबर से नीचे उतर कर लानत करना तो कु कभी कोई गाली देना सईद अली रजी अल्लाह अहले बैत के हक़ में अगर कोई बंदा साबित करे मैं उस किताब को उस किताब को सोने से तोल के देने के लिए तैयार हूँ लेकिन क्यामत तक ऐसा मुमकिन नहीं होगा मिर्जा साहब सैदना माविया रज़ी अल्लाह उन्होंने कभी सैदना अहले बैत की कभी तोहन नहीं कभी कभी उन पर लानत नहीं की कभी उनको जो है ना गाली नहीं दी नौजिल्ला हाँ आप कहते हैं ना कि शिया के बच्चे बच्चे को पता है वाकई शियों को पता है अहिल सुन्नत को कैसे पता होगा जबकि है ही नहीं ना ऐसे अहले सुन्नत की किताबें अल्लाह के फजलोक करम से मौजूद हैं उन पर सनदें मौजूद हैं आए आप पेश करें आप कहते हैं ना कि सुन्नियों के सफ़ेद दाड़ियों वालों को नहीं पता होता जब है ही नहीं तो उनको पता कैसे हो हाँ शियों को पता है उनकी किताबों में झूठ और ख़ुराफ़ात हैं और अहले सुन्नत के आइमा ने उन झूठों को मेंशन करके वो रवायतें दर्ज कर दी हैं जैसा कि अबू मखरफ लूत बिन याहिया को मेंशन करके आ, इमाम अबिन साद राहुल ने ये रवायत नकल कर दी है बता दिया कि ये इस झूठे की कार्रवाई है कि साठ साल पे पर लानत होती रही कहाँ है सही सनत मिर्ज़ा साहब आप कहते हैं शीह श का बच्चा बच्चा जानता है तो ठीक है ना शीह का बच्चा बच्चा जानता है कि उनका मज़हब झूठ पर मबनी है उन्होंने घर घर कर रवायतें जो है ना नबी करीमलम और अहले वैत के अफ़राद की तरफ़ मंसूब की हैं हम उनका इतबार कैसे कर लें अहल सुनत की किसी किताब से कोई एक सही लना रिवायत में जो सब आप पेश करें आप कहते हैं कि शिया का बच्चा बच्चा जानता है हाँ आप शेह की हमनवाई करते हैं और अहल सुन्नत से आप हमेशा बेवफाई करते हैं और यहाँ आपने कहा कि सुलह हसन से लेकर और आपका इशारा क्या है सही तो माविया रजियाँ के दौरे अकतदार बीस साल सुर हसन के बाद तो उनका दौर रहा ना बीस साल और आप इसमें झूठ बोलते हैं कि सैदना हुसैन रजी अल्लाह हो सहीदना माविया रज़ी अल्लाह को ख़त लिखते रहे कि मुझे अल्लाह का डर लग रहा है मैं आपके ख़िलाफ़ निकल क्यों नहीं रहा आपने ये कर दिया झूठ है मेरे साहब झूठ है परले दर्जे का कोई एक सही उस्नाद रिवायत आप पेश करते इस पर भी हमारा क्लिप मौजूद है कि हुसैन रजी अल्लाह क्या सहीदना माविया को कुछ कहा या ऐसी कोई उनकी तोहन की या उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया ऐसा या कोई ख़त लिखा मिर्जा साहब क्यों आप लोगों को झूठे प्रोपेगंडे में मुलवस करते हैं अब जो लोग कहते हैं कि मिर्जा साहब शहीदिया रज़ीरों को टारगेट नहीं करते उन्हें समझ लेना चाहिए वो कहते हैं कि ये तो अल उमैया की बिदत है अल उमैया की बिदत कब शुरू हुई सुल हसन से लेकर अब देखें शहीदिया रज़ीरों के बीस साल को भी उन्होंने कहा कि ये बिदत इन्होंने वो तो ज़ुबानी तौर पर कहते हैं उन्होंने जारी की और वो करवाते रहे नवज़ सब झूठ है फिर कहते हैं कि हम से कहते हैं कि तू मुआविया का शिया है मैं अली का शिया हूँ तो उन्होंने आते ही सवाल किया जी बताएं कि आपको शिया से क्या इख्तलाफ़ है मैंने कहा जी मुझे आपसे ये इख्ताफ है कि आप मुआविया के शिया हो और मैं अली का शिया हूँ तो मुआविया का शिया है मैं अली का शया हूँ नवज़ ये बात करना ये इस्लाम के ही मनाफी है ये कुरान के ही मनाफ़ी है ये नबी करीम वसल्लम की अदीस के ही मनाफ़ी है सयाब कराम में से किसी एक को ले लेना दूसरे को छोड़ देना दूसरे से दस्बरदार हो जाना दूसरे के बारे में अपने दिल में नफ़रत पाल लेना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं मेरा तो फ़लाँ से ताल्लुक़ है ये इस्लाम के मनाफ़ी है मिर्ज़ा साहब अब ये आपने कहा क्या कहा यह कि मंबरों पर सबोशितम की बिदत किस दौर में शुरू हुई हजरत मुआविया के दौर में ये किसी सुन्नी का जिगरा नहीं हो सकता कि वो कहे कि तू मुआविया की शिया और मैं अली का शिया इसके लिए फिर इतना जिगरा चाहिए ये किसी सुन्नी का जिगरा हो कि एक शिया को कहे कि तू मुआविया का शिया और मैं अली का शिया बिल्कुल मिर्जा साहब ये किसी सुन्नी का जिगरा नहीं हो सकता आप सुन्नी नहीं है खुद आपने अपनी जुबानी इस बात का इकरार कर लिया कि मैं सुन्नी नहीं हूं क्योंकि कोई सुन्नी ये नहीं कह सकता कि तू मुआविया का शी मैं अली का शिया वाकई की सुननी नहीं कह सकता हम कहते हैं हम अली वाले भी हैं है। हम मुआविया वाले भी हैं हम क्यों कहें कि हम मुआविया के शिया नहीं हैं हम अली के शह हम अली के भी शिया हैं हम मुआविया के भी शिया हैं शिया का माना गरोह शिया का माना मोहब्बत रखने वाले शिया का माना हवारी शिया का माना जानसार हम अली के भी जानसार हैं हम मुआविया के भी जानसार हैं अहले बैत के भी जानसार हैं सहबा के भी जानसार हैं हम सब पर अपनी जानें छिड़कते हैं किसी सुन्नी में वाकई ये जिगरा नहीं हो सकता ये किसी राफजी का जिगरा हो सकता है कि वो कहे कि तू मुआविया का शिया मैं अली शिया क्यों कहे वो ऐसे क्यों कहे कि मैं मुआविया रज़ी से कोई ताल्लुक को नहीं रखता किया क्या है उन्होंने ये झूठा प्रापे जो आपने बनाया है कि उन्होंने गालियाँ दी और दिलवाईं ये झूठा प्रापे आपने जो किया है कि उन्होंने ये बेदत जारी की ये जो झूठा प्रापे किया है कि वो लोगों को कत्ल करवाते थे और ना हक माल लूटने का हुक्म देते थे इस झूठे प्रापे की बुनियाद पर कोई सुनी ये कह दे कि मैं जनाब सही तरह माविया रज़ी ननौ का शैया नहीं हूँ मैं अली का शैया हूँ क्यों हम कहें देखें आप खुद इस बात को मानते हैं कि वालदेन में जब झगड़ा हो जाए वालदेन में और उनमें से एक ना हक हो दूसरा हक पर हो फिर भी आपने उससे ताल्लुक़ कायम रखना है उसके बेसिक राइट्स आपने अदा करने हैं अगरचे हक दूसरे के पास है लेकिन आपने अदबोराम नहीं छोड़ना है क्यों दोनों से आपका ताल्लुक है आप तो किसी से ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते इसी तरह सिहाबा रहले बैत साहब हमारे हैं उनके अंदर जो इख्तलाफ था वो इश्त इख्तलाफ था हमें क्या हक़ है कि हम एक को ले लें दूसरे को छोड़ दें ख़ुद आपसे सवाल हुआ मिर्ज़ा साहब वालद और वालदा में इख्तलाफ और बात तलाक तक आ जाए तो औलाद किसका साथ दे आपने कहा औलाद दोनों का साथ दे दोनों का साथ दे और आगे आपने कहा कि हक पे जो है उसका ज्यादा साथ दे लेकिन दूसरे का भी साथ दे दूसरे का साथ छोड़ना नहीं है खुद आपने कहा कि वालिद अगर हक पे है तलाक देने में तब भी वालदा का साथ नहीं छोड़ना और वालदा अगर हक पे है वालिद ना हक तलाक दे रहा है तब भी आपने वालिद का साथ नहीं छोड़ना वालिद और वालदा में और बात तलाक तक आ जाए तो औलाद किसको साथ दे औलाद दोनों का साथ दे दोनों माँ का यहां मां बाप का रिश्ता मौजूद है बाकी जो हक पे है उसका एक्स्ट्रॉनली साथ दे अगर बाप ने जुल्म करके मां को फारक किया तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाप ने आपको भी फारक कर दिया आपने बाप का हक अदा करना ही करना है ठीक हो गया ना जी अलबत् उस एक मामले में आप जो एक हक पे उसका साथ जरूर दें लेकिन पार्टी बनने का यह मतलब नहीं कि दूसरा दस बरदार हो जाएगा ना हक भी है तो आपने साथ हक वाले का देना है प्लस आपने जो बेसिक राइट्स हैं वो तो आपने सेव करने हैं दोनों के ठीक हो में अगर अख्तलाफ हो जाए तो आपने दोनों का साथ देना है दोनों का साथ देना है और मिर्जा साहब ये अल्लाह का करना देखें उसी वीडियो में आप सही तरह माविया रजिया ला लाताुकी कर रहे उसी वीडियो में आप कह रहे हैं कि वाले में से किसी से ला लाताुकी आप नहीं कर सकते आप दोनों का साथ देंगे दोनों के साथ माँ बाप का रिश्ता मौजूद है तो मिर्ज़ा साहब सिहबा अहल बैत सब के साथ हमारा अहतराम का हमारा ईमान का रिश्ता मौजूद है हम कैसे कहें कि हम अली के शिया हैं मुआविया के शिया नहीं या हम कैसे कहें नवज़ के हम मुआविया के शिया हैं हम अली के शिया नहीं नौज़ ना लानत हो उन लोगों पर जो अली रजी अल्लाह की वजह से सईदना मुआविया रजी अल्लाह को नौज़ नफ़रत का निशाना बनाते हैं और उन लोगों पर भी जो सईदना मुआविया रजी की वजह से अली रजी अल्लाह को नफ़रत का निशाना बनाते हैं हमारे तो सब सर का ताज है हम क्यों कहें हम कहते हैं हम अली वाले भी हैं मुआविया वाले भी अली और मुआविया भाई थे दुनिया में उनसे अगर उनमें इख्लाफ हुआ है अल्लाह तबारक व तैयार क़यामत के दिन उन सब अख्तलाफा को ख़त्म कर वो जाना माफ़ी सदूर इमिन गिल्ले अखवा नारा शुरू दिन मोमिनों के तो दिलों के जो रंज और आपस में अख्तलाफ़ात अल्लाह तबारक वताल फरमाते हैं हम जन्नत में निकाल के उनको भेजेंगे और हालात शुरू नहीं इखवान अखबारन भाई, भाई भाई बन के बैठे होंगे पलंगों पर तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने मोहब्बत और प्यार से होंगे अली भी होंगे मुआविया भी होंगे हम भी अल्लाह के फजलो करम से उनके जानसार उनके साथ होंगे और जो कहते हैं ना कि हम मुआविया की वजह से अली को नहीं मानते अली की वजह से मुआविया को नहीं मानते वो वहाँ सईदा अली रज़ी और सईदा मुआविया के साथ कैसे जमा होंगे वो तो एक वाले हैं दूसरे वाले नहीं और हकीकत में वो दोनों वाले नहीं है तो झूठा धावा होता है ना जो कहता है कि मैं अली वाला हूँ मुआविया वाला नहीं वो हकीकत में अली वाला भी नहीं होता हम साबित कर चुके हैं कई मौक़ों पर और जो कहता है कि मैं मुआविया वाला हूँ अली वाला नहीं वह हकीकत में मुआविया वाला भी नहीं होता वो असल में ही वाला होता है अल्लाह तबारक वाली हमें हिदायत नसीब फ़रमाए मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि वालदे में अगर इख्तलाफ हो जाए और तलाक तक नौबत पहुँच जाए एक नक हो और दूसरा हक पर हो कहते हैं औलाद दोनों का साथ देगी दोनों के साथ माँ बाप का रिश्ता मौजूद है बाकी जो हक पे है उसका एक्स्ट्रॉडिनरी साथ दे अगर बाप ने जुलम करके माँ को फारग किया इसका यह मतलब नहीं कि बाप ने आपको भी फारग कर दिया आपने बाप का हक हाँ अदा करना ही करना है आपने बाप का हक हाँ अदा करना ही करना है उसके साथ ताल्लुक रखना ही रखना है इस तल्लु को आप ख़त्म नहीं कर सकते हमारे हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों माँ बाप हों और सहाबा कर राम उनके मुकाबले में खरबों माँ बाप हमारे कुर्बान, एक सहबी की फजीलत है गैर सही पे इतनी है कि उसका मुवजना ही नहीं किया जा सकता आप अरबों खरबों के अगर उससे बड़ी गिनती ले आए सह कराम और दूसरों का मुआज़ना नहीं हो सकता तो अगर वालदे में से एक नाहक है तो उसको भी नहीं छोड़ना वो नाहक उसको तलाक दे रहा है फिर भी बाप को नहीं छोड़ना बाप का हक अदा करना है उससे ताल्लुक़ रखना है तो फिर स्याब कर क्राम रजवान मजमईन से हमने क्यों नहीं रखना ताल्लुक़ मिर्स हम क्यों कहें कि हम अली वाले हैं माविया वाले नहीं हैं या हम माविया वाले हैं वालदान है? में फास्को फाजर भी हो सकते हैं परस भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं स्याब कराम तो वह हैं जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परखा और लोगों के सामने उनके ईमान को कसवट्टी बनाकर पेश किया सहाबा तो वो हैं जो इस दुनिया से गए और उनके लिए गारंटी है कि ईमान पर गए और जिनके बारे में ये गारंटी नहीं कि वो ईमान पर गए हैं या नहीं गए उनको तो सहाबी कहते ही नहीं हम अहल सुन्नत उनको तो सहाबी नहीं मानते अहले सुनत तो सयाबी की तारीफ़ ही यह करते बल लाखी नबील वसमिन माता ईमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान के हालत में मिला हो और उसकी मौत भी ईमान पर हुई हो वो सहाबी है और हम उसे रजी अल्लाह लु कहते हैं मिर्ज़ा साहब और अगर सही तरह माविया रज़ी नवजुबिल्ल और उनके साथी ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी मौत ईमान पर हुई तो फिर आप रज़ी अल्लाह कैसे कह सकते हैं। फिर आप आपदुल्ल बिन ऊबई को रजी अल्लाह ऱील्ला क्यों नहीं कहते फिर आप दूसरे मुनाफ़िकीन को रजी अल्लाह ऱील्ल्ला क्यों नहीं कहते अगर रजी अल्लाह ल्ला कहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि ये सहबी हैं और सहाबी तो सिर्फ इसलिए अहले सुन्नत के नज़दीक उनकी मौत ईमान पर हुई जिनकी मौत ईमान पर हुई है आप उनके बारे में कहते हैं कि हम उनका साथ छोड़ देंगे उनसे ताल्लुक नहीं रखेंगे वालदेन के बारे में कहते हैं कि हम उनसे ताल्लुक जोड़ तोड़ेंगे नहीं वालदान से भी ताल्लुक नहीं तोड़ा जा सकता और उससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा सयाब कराम इस बात के मुस्तक हैं कि उनसे भी ताल्लुक़ तोड़ा नहीं जा सकता अगर कोई नाक था तब भी लेकिन इधर तो रसूल अल्लाह सल्ला सल फ़रमा रहे हैं अवलता बिल्हा दोनों ग्रोह हक पर हैं एक हक ज़्यादा करीब है दोनों हक पर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ताइफ़त तयन अजीम तयन दो अजीम शान करो हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम उन्हें अजीम शान करार दे और आप कह रहे हैं हमारा उनसे ताल्लुक़ कोई नहीं है झूठे प्रापे करने की बिना पर अल्लाह तबारक तआला आपको हिदायत नसीब फ़रमाए